हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी, आज हम क्या करने जा रहे हैं जी? केस सिनेरियो। इस क्लास के करने से पहले ये मैं मानता हूं आपने पूरा जीएसटी पढ़ लिया है, क्योंकि यहां पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। मैं आपको उन प्रोविजंस को एक बार थोड़ा थोड़ा याद करा दूंगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं आपने जीएसटी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो ये वाली क्लास मैं आपको यूट्यूब पर भी दे दूंगा, अगर आप फिर से देखना चाहें तो मेन बैच के बच्चों और फास्ट ट्रैक वाले बच्चों, ये आपकी क्लास कॉमन है, तो आपको एक केस सिनेरियो की बुकलेट मिली होगी ऐसी, ठीक है? केस सिनेरियो की बुकलेट मिली होगी जिसमें टोटल मिलाकर 34 केस सिनेरियो हैं। कितने? 34। 34 कैसे सर? सीए इंस्टीट्यूट ने आपकी केस सिनेरियो की बुकलेट इश्यू की ही है। मैंने आपको यहां पर केस सिनेरियो के साथ आंसर डिटेल में सोल्व करके दे दिया है और उसका चार्ट भी बनाया है। मोस्टली हर केस सिनेरियो का मैंने आपको चार्ट बनाकर दे रखा है। मतलब क्या केस सिनेरियो का मतलब क्या है? आपको एक पैरा दे रखा होगा। कैसे? ऐसे एक पैरा फॉर्म में आपको कुछ 6-7 पॉइंट लिख रखे दे रखे होंगे और उसके नीचे आपको फिर कुछ 5 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे कि इन इन 6 पॉइंट के बेसिस पे आप हमें जवाब दीजिए। तो केस सिनेरियो का मतलब क्या है? कुछ पैरा फॉर्म में हमें एक डिटेल दी होगी जिसमें हमारी परचेज सेल की डिटेल वो दे सकता है, उसके बेसिस पर वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी? तो केस सिनेरियो बेस्ड, इसे हम एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। केस सिनेरियो बेस्ड 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो केस सिनेरियो की क्लास के बाद मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एक अलग क्लास लगाऊंगा, ठीक है? अभी मैं केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपके पास। तो हमें एक पैरा फॉर्म में दे रखा होगा कुछ पॉइंट्स डिटेल, उसके बाद ये नीचे चार्ट मैंने खुद से बना रखा है। जैसे इसमें जो पहले 3 पॉइंट है ये हमारी इनवर्ड सप्लाई है, परचेज समझ लो, और अगले 3 पॉइंट है ये हमें सेल या हमारी आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है। तो मैंने चार्ट बना दिया जी यहां पर कि ये हमारी इनवर्ड सप्लाई है, ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है? इसके बेसिस पर अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप हमें ये बताओ नेट जीएसटी लाइबिलिटी क्या बनती है या जीएसटी लाइबिलिटी इन कैश क्या बनती है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन पहला पहले केस सिनेरियो का उससे पूछा जीएसटी जो कैश में जमा कराना होगा वो हमें बताओ, वो हमें बताओ, ठीक है? तो ऐसे आपको केस सिनेरियो पूछे जाएंगे। अब अगर आपसे ये पूछा है कि जीएसटी कैश में जो पे करना है वो बताइए, तो आप क्या करेंगे देखेंगे। हाँ जी, ये देखिए, ये टाइप 1 है कि आपसे जीएसटी पेबल इन कैश पूछा हुआ है। आप कैसे निकालेंगे? फॉरवर्ड चार्ज वाला नेट टैक्स अलग निकालो, रिवर्स चार्ज वाला अलग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीएसटी लाइबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज ये हम कॉलम बना लेंगे, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और टोटल, ठीक है? तो हमारा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम सारे यहां पर लिख देंगे फॉरवर्ड चार्ज वाले। अब हम इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे, जो परचेज का हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आता होगा वो हम इसमें से माइनस करेंगे, और उसमें हम सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करते हैं, पहले आईजीएसटी के लिए, बचा तो फिर सीजीएसटी एजीएसटी इन एनी रेशियो, ठीक है? तो फिर हम आईटीसी यूज करेंगे, उसके बाद हमारा फॉरवर्ड चार्ज वाला कैश में जीएसटी पेबल आ जाएगा, ये हमें कैश में फॉरवर्ड चार्ज वाला टैक्स पे करना है। ध्यान रहे रिवर्स चार्ज वाला टैक्स, रिवर्स चार्ज मतलब जब रिसीपिएंट को टैक्स देना होता है, वैसे तो जीएसटी हमेशा किसको देना होता है, जो माल बेच रहा है या जो सर्विस दे रहा है उसे फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? जब रिसीपिएंट को जीएसटी देना हो, जब सप्लायर ने जो गुड्स बेचे या सर्विस दी उसमें रिसीपिएंट को जीएसटी देना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। तो वो रिवर्स चार्ज वाला टैक्स आपको वो जाता ही किससे है? कैश लेजर से, कैश लेजर से। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कैश लेजर से बताओ टोटल, तो हम ये फॉरवर्ड चार्ज वाला और ये रिवर्स चार्ज वाला
ये दोनों का टोटल अमाउंट उसे बताएंगे, ये हमारा कैश लेजर से पेमेंट बनती है, ठीक है जी। फॉरवर्ड चार्ज वाला और रिवर्स चार्ज वाला, इन दोनों का टोटल हम बताएंगे, ये हमारा टोटल कैश लेजर से पेमेंट बनता है। एक चीज यहां ध्यान रखने वाली है, चूंकि रिवर्स चार्ज हमारा इनवर्ड सप्लाई पर है, किस पर है, इनवर्ड सप्लाई पर, परचेज पर, तो इसका आप क्रेडिट भी लेंगे, पहले आप कैश लेजर से पे करेंगे। और ये देखो मेरा ये एरो घूम के कहां जा रहा है, मतलब ये आईटीसी में भी इस अमाउंट को हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिवर्स चार्ज वाला परचेज पर टैक्स है और परचेज पे टैक्स तो क्रेडिट मिलता है ना, बस प्रॉब्लम इसमें है क्या, रिवर्स चार्ज वाला आपने पहले खुद से कैश से जमा कराया फिर आप इसका क्रेडिट भी ले लेंगे, तो आपको ये यहां पर कैश लेजर से पे तो करना है ही है, लेकिन आपको यहां आईटीसी में भी इस इनपुट क्रेडिट में भी इसको लिखना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें आपको इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ में आ जाएगी, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया केस सिनेरियो की टाइप, अगर आपसे कैश लेजर से पेमेंट पूछ रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज वाला अलग निकालो, रिवर्स चार्ज वाला अलग निकालो, फॉरवर्ड चार्ज में से आईटीसी आप माइनस कर सकते हैं, रिवर्स चार्ज वाले में से नहीं, ठीक है। रिवर्स चार्ज वाला आपको कैश से ही जमा कराना होता है, तो फॉरवर्ड चार्ज वाला जो नेट आईटीसी के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद जो हमारा टैक्स बना प्लस रिवर्स चार्ज वाला जो कैश वाला पेमेंट बना, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारी कैश लेजर वाली पेमेंट आएगी। चलिए अब हम सीधे सीधे केस सिनेरियो शुरू करें जी। मैं हर केस सिनेरियो से पहले आपको उसमें यूज होने वाले प्रोविजन का थोड़ा याद दिला दूंगा, तो अब मैं याद दिलाऊं पहले, जी सर याद दिलाऊं, लीजिए केस सिनेरियो वन लूडो प्रभु का नाम और शुरू कर रहे केस सिनेरियो वन। हाँ जी, केस सिनेरियो वन, इसमें मैं सबसे पहले आपको क्या समझाने वाला हूं, OIDAR फुल फॉर्म है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्शन रिट्रीवल सर्विस, इसका मीनिंग क्या है, इसका एक मीन्स पार्ट है और इसका एक इंक्लूड पार्ट है। तो मीन्स पार्ट में आपको याद दिलाऊं क्या, दो कंडीशन फुलफिल होनी है कि सर्विस इंटरनेट के माध्यम से, आईटीसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंटरनेट के माध्यम से सर्विस दी गई है, एंड दूसरी चीज ये ऑटोमेटिक है, मतलब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या तो ना के बराबर है या मिनिमम है। तो ये हमारी होगी OIDAR सर्विस। एग्जाम्पल, अगर आप कोई वेबसाइट जैसे नेटफ्लिक्स है, Amazon Prime है, आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्यों, आपको मूवी देखनी है या टीवी शो देखना है, तो Amazon Prime वालों ने या Netflix ने अपनी पोर्टल पर ऑलरेडी डिजिटल डाटा अपलोड कर रखा है, मतलब उसमें मूवी टीवी शो अपलोड कर रखे हैं, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, अब आप ऑनलाइन इंटरनेट का यूज करके, पहला क्या शर्त थी, इंटरनेट का यूज करना, इंटरनेट का यूज करके आप वो मूवी देख सकते हैं, वहां से पीछे से कोई आपको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, डाटा ऑलरेडी, डिजिटल डाटा ऑलरेडी उन्होंने अपलोड कर रखा अपने पोर्टल पर, आप उसको एक्सेस कर रहे हैं ऑनलाइन, आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं उनके डेटाबेस को या रिट्रीव कर रहे हैं, इसलिए नाम पड़ा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल, ठीक है जी। अच्छा, और इंक्लूड्स में मैं कुछ याद और दिला दूं, इसमें क्या क्या आता था, इसमें आता था ABCD, दीदी गेम खेले ऑनलाइन, ये कुछ ट्रिक थी याद करने की। A4 क्या था, एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे आप गूगल के कीवर्ड्स होते हैं, गूगल जो है स्पेस देता है अपने पोर्टल पर, वेबसाइट पर ये एड शो करने के लिए कंपनीज को, तो वो एडवर्टाइजमेंट जितने भी ऑनलाइन हो रही है, किसी की वेबसाइट पे अगर आप देखते हैं उन्होंने स्पेस लेंड कर रखा है उस कंपनी को, क्रिकबज आप खोलते हैं वहां क्रिकबज में अगर किसी फोन की एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो वो कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करा रही है, तो इंटरनेट पे जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं वो OIDAR सर्विस में आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसमें कुछ और जैसे मूवी टेलीविजन शो मैंने आपको बता ही दिया, आप Amazon Prime या Netflix की वेबसाइट से देख रहे हैं, हमारे पास जो यूज होना है वो यूज होना है कौन सा, ये क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस जैसे जो बच्चे हमारी पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव वाली क्लास ले रहे हैं, गूगल ड्राइव वाली क्लास के लिए हमने गूगल से
जीमेल पे स्पेस ले रखा है, उस स्पेस के हम पैसे दे रहे हैं उनको। सर जीमेल पे तो स्पेस तो फ्री होता है, नहीं हमें ज्यादा स्पेस चाहिए ना, वहां पे क्लासेस अपलोड करनी होती हैं, तो वो जो क्लासेस अपलोड करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, वो स्पेस के लिए हम गूगल ड्राइव वालों को, गूगल को पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो वाली सर्विस भी किस में आती है, OIDAR सर्विस में आती है। तो मेरे पास एक क्लाउड सर्विस यूज होने वाली है, मैंने आपको ये टीवी शो वाला और एग्जाम्पल दे दिया है, एक एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट अभी थोड़ी आगे यूज होगी किसी और केस सिनेरियो में, ठीक है। इतना याद दिलाना आपको सफिशिएंट है OIDAR वाली सर्विस के लिए, ठीक है जी, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस के लिए। चलिए अब मैं इस OIDAR सर्विस के लिए थोड़ा सा और आगे बताता हूं, सुनिए जरा। क्या अभी हमने बात करी थी, ये CA स्टूडेंट है, ये क्या चाहता है, ये नेटफ्लिक्स की साइट से देखना चाहता है कोई मूवी या टीवी शो, तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आपको, फिर ये इस टीवी शो को या मूवी को देख सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सप्लायर है आउटसाइड इंडिया, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसीपिएंट कहां पर है, रिसीपिएंट है इंडिया में, रिसीपिएंट है हमारा इंडिया में, रिसीपिएंट है हमारा इंडिया में, लेकिन ये CA स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है GST में। ऐसे कई लोग हैं जो ये मूवी टीवी शो देख रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, ठीक है जी। सप्लायर बाहर है, रिसीपिएंट इंडिया में है। अब जरा ध्यान से सुनिए, सप्लायर हो बाहर आउटसाइड इंडिया, रिसीपिएंट हो इंडिया में, तो इसे बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसे हम क्या बोला करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हाँ जी, ये जो CA स्टूडेंट है ये मूवी टीवी शो कैसे देख रहा है, देखो जी, इस नेटफ्लिक्स ने अपने सर्वर पर ऑलरेडी डिजिटल कंटेंट को डाला हुआ है, मूवी टीवी शो इसने ऑलरेडी डिजिटल कंटेंट को डाला हुआ है, आपने रजिस्टर किया और अब आप एक्सेस कर रहे हैं या रिट्रीव कर रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, इसलिए ऑनलाइन आप एक्सेस कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं इस डेटाबेस को, इसलिए इस सर्विस का नाम क्या पड़ा, इस सर्विस का नाम पड़ा OIDAR। आप डेटाबेस को एक्सेस या रिट्रीव कर रहे हैं। ये सर्विस क्या है, ये सर्विस इंपोर्ट है, क्योंकि सप्लायर है बाहर नेटफ्लिक्स, ये USA कंपनी, तो ये सप्लायर है बाहर, रिसीपिएंट इंडिया में, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में मैं बता दूं रिवर्स चार्ज होता है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, रिवर्स चार्ज का मतलब है रिसीपिएंट को GST रिवर्स चार्ज में देना होगा। लेकिन 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 अगर ये NTOR है, NTOR फुल फॉर्म क्या है जी, ये देखेंगे, NTOR का फुल फॉर्म है नॉन टैक्सेबल ऑनर रिसीपिएंट। नॉन टैक्सेबल मतलब जिसका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये बिजनेस नहीं करता, ये नॉन टैक्सेबल है, ये ऑनलाइन रिसीव करना ना इस सर्विस को, इसके नाम पड़ा ऑनलाइन रिसीपिएंट, तो ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसीपिएंट है। ये CA स्टूडेंट या कोई गृहिणी है, कोई घर पे ही रहती है, हाउसवाइफ है, वो भी मूवी टीवी शो देख रही है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ऐसे बहुत सारे इंडिया में उसका कस्टमर बेस है इनका, नेटफ्लिक्स का जी, तो क्या ये लोग GST में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, हम इनको बोले क्योंकि तुमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिवर्स चार्ज होता है, तुम अपना GST में रजिस्ट्रेशन कराओ, ये पॉसिबल नहीं है। इससे हम नाम देते हैं NTOR। तो अगर ये OIDAR वाली सर्विस NTOR, NTOR मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनर रिसीपिएंट, इसने रिसीव करी तो GST इसे नहीं देना, GST नेटफ्लिक्स को ही देना है फॉरवर्ड चार्ज। वैसे तो जनरली बाहर वाले सप्लायर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बाहर वाले सप्लायर से हम कोई टैक्स नहीं लेते, हम रिवर्स चार्ज में रिसीपिएंट से ही लेते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस में। लेकिन इस OIDAR सर्विस अगर किसको दी, बिजनेस एंटिटी को नहीं, ध्यान रहे, OIDAR सर्विस अगर NTOR को दी, NTOR को दी, तो सेक्शन 49 GST का बोलता है इस सप्लायर को, जो बाहर वाली कंपनी है, उसे इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसे IGST, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर IGST इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती है, IGST लगता है, तो नेटफ्लिक्स को इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं, आपको ध्यान हो सेक्शन 14 में लिखा था उसे एक ही रजिस्ट्रेशन कराना है और बेंगलुरु में उसके लिए ऑफिस ओपन करेगा, वहां उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इतना याद आ गया जी। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने कंक्लूजन निकाला अगर OIDAR सर्विस NTOR रिसीव कर रहा है, NTOR ये पर्सनल पर्पज के लिए रिसीव करता है, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं,
तो फिर इस केस में कौन जीएसटी देगा? सप्लायर, बाहर वाली कंपनी फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगी, इसके लिए वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराएगी, इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराएगी। अगर ये ओआईडीआर वाली सर्विस बिजनेस एंटिटी ने रिसीव करी हो तो फिर रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी ही पे करेगी, रिवर्स चार्ज में पे करेगी। या बाकी कोई सर्विस ओआईडीआर के अलावा बिजनेस एंटिटी रिसीव कर रही है तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करती है। तो मैं इससे अब आपको याद करा दूं, यहां दिखा दूं। सर क्या ये हमें लिख कर दे रखा है? इसमें सब कुछ लिख के दे रखा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ लिख के दे रखा आपको, ठीक है। तो सेक्शन 49 जीएसटी का कहता है, अगर इंपोर्ट ऑफ ओआईडीआर सर्विस एनटीओआर ने रिसीव करी, एनटीओआर ने, तो फिर सप्लायर ही पे करेगा जीएसटी। लेकिन 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 अगर ये ओआईडीआर वाली सर्विस बिजनेस एंटिटी ने रिसीव करी तो फिर यहां रिसीपियंट यही बिजनेस एंटिटी, यही रिसीपियंट ही रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी पे करेगा, ठीक है। तो अगर ओआईडीआर सर्विस एनटीओआर ने तो सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में, और अगर बिजनेस एंटिटी ने तो रिवर्स चार्ज में रिसीपियंट। हाँ जी, इसके लिए सप्लायर कहां होगा? सप्लायर होगा आउटसाइड इंडिया में, रिसीपियंट कहां होगा? इंडिया में। ये रिसीपियंट अगर बिजनेस एंटिटी है तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में पे करेगी। इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एक सेक्शन 13 आईजीएसटी का चैप्टर 5 आपने प्लेस ऑफ सप्लाई का पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा सेक्शन 13, अगर सप्लायर या रिसीपेंट दोनों में से एक बाहर का है, सप्लायर या रिसीपेंट दोनों में से एक बाहर का है, तो फिर सेक्शन 13 में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं कि सप्लाई कहां दी गई ये मानी जाएगी। तो सेक्शन 13(12) बोलता है ऐसे केस में अगर सप्लायर या रिसीपेंट इनमें से एक बाहर का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा? लोकेशन ऑफ रिसीपियंट। तो यहां पर बिजनेस एंटिटी इंडिया में है तो ये रिसीपियंट LOR PS ले लिया जाएगा, ठीक है जी। और इस केस में भी अगर एनटीओआर रिसीव कर रहा है, अगेन ओआईडीआर सर्विस के लिए PS क्या लिया जाएगा? LOR। LOR मतलब लोकेशन ऑफ रिसीपियंट, जो कि इंडिया है, ठीक है, जो कि इंडिया है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने ओआईडीआर सर्विस का मीनिंग किया, OIDR सर्विस में हमने बात करी, अगर इंपोर्ट करी है NTR ने तो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पे करेगा, अगर रिसीव करी है बिजनेस एंटिटी ने तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी पे करेगी। चलिए ये प्रोविजन याद करने के बाद अगला प्रोविजन, अगर डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस दी तो इसके लिए क्या कोई रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज है? तो सुनिए, इसमें एक होते हैं आपके डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉय नहीं है, दूसरा डायरेक्टर जो एम्प्लॉय है, जो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इनको मिलती है सिटिंग फी, जैसे कोई मीटिंग अटेंड करी तो उसकी सिटिंग फी मिल रही है, तो जो इनकी सर्विस है वो सप्लाई में आएगी, शेड्यूल 3 में नहीं जाएगी। शेड्यूल 3 किस चीज की थी याद दिला दूं? 8 एक्टिविटी जिन्हें हम ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना सप्लाई ऑफ सर्विस। एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसे सैलरी मिलती थी, उस सैलरी पे इनकम टैक्स में टीडीएस कटता है, उस पे जीएसटी नहीं है, वो शेड्यूल 3 में सप्लाई नहीं मानते। लेकिन जो डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है तो इन्हें सैलरी नहीं मिल रही, तो इनकी सर्विसेज सप्लाई में आएगी, सप्लाई में आएगी। और दूसरा इसमें रिवर्स चार्ज है, कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा। तो मान लीजिए इन डायरेक्टर को सिटिंग फी मिली है तो सिटिंग फी पे कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा। दूसरा, जो डायरेक्टर एम्प्लॉई है, मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एम्प्लॉई हैं उनकी बात करते हैं। सॉरी, यहां पर भी दो बातें, क्या सर्विसेज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत दी गई है तो यह शेड्यूल 3 में आएगी, इस पे सैलरी, इसे सैलरी मानते हैं और इस पे टीडीएस कटेगा, ये सप्लाई नहीं है शेड्यूल 3 की वजह से। शेड्यूल 3 में लिखा था एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को अगर कोई सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो फिर इस पे इनकम टैक्स के सेक्शन 192 में, 192 में सैलरी मान के टीडीएस कटता है, तो इस पे कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी, इस पर कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। दूसरा, अगर एम्प्लॉई है तो वैसे एम्प्लॉई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के दौरान नहीं दे रहा सर्विस, जैसे एक सीए, आप सीए बनते ही किसी कंपनी में जॉब करने लगे, वहां से तो सैलरी मिल रही है, वहां का डायरेक्टर बोलता है
मेरी बेटी सीए कर रही है, आप उसको शाम को आके थोड़ी कोचिंग दे सकते हो, तो आप इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस नहीं दे रहे, ठीक है, उस केस में आप इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस नहीं दे रहे हैं, राइट। ऐसी हम बात कर रहे हैं जो डायरेक्टर एम्प्लॉय है, वैसे तो होल टाइम डायरेक्टर है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान सर्विस नहीं दे रहा, जो इसे सिटिंग फी मिलती है ना होल टाइम डायरेक्टर को भी, ये भी इसकी इस पे इनकम टैक्स के 194 जे में टीडीएस कटता है, सैलरी मान के नहीं, प्रोफेशनल फी जो 194 जी वाला है वो मान के। तो सैलरी नहीं मान रहे हैं, सैलरी नहीं मान रहे हैं तो ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, और सप्लाई है तो फिर कंपनी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी, कंपनी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। तो फिर से बता दूं, अगर एम्प्लॉई नहीं है तो इनकी सर्विसेज सप्लाई है, सप्लाई है तो कंपनी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई है तो इनकी सर्विसेज जो सैलरी का पार्ट बन रही है वो सप्लाई नहीं है, जो सर्विसेज सैलरी का पार्ट नहीं बन रही उनके लिए इनकम टैक्स 194 जे में टीडीएस कटता है, तो उस केस में सप्लाई मानी जाएगी और कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा, ठीक है जी। अब आइए अगले पॉइंट पर, स्पॉन्सरशिप की सर्विस, अगर ये दी गई है बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, तो फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। लेकिन अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दी, इंडिविजुअल को दी है, एचएफ को दी है, उस केस में फिर रिवर्स चार्ज नहीं है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में जिसने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी उसे ही जीएसटी देना होता है, उसे ही जीएसटी देना होता है। हाँ जी, यहां तक याद आ गया जी। अब अगला पॉइंट सुनिए, हाँ जी, इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं जी, अगर आपका LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरा POS प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों एक ही स्टेट के हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब सप्लायर का जो बिजनेस प्लेस है जहां से गुड्स बेचे जा रहे हैं या सर्विस दी जा रही है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब कहां सप्लाई दी, वो हम अपने प्रोविजन से निकालेंगे कहां सप्लाई दी। अगर ये दोनों एक ही स्टेट में है, सप्लायर और जहां सप्लाई दी एक ही स्टेट में है तो इंट्रा, अगर ये डिफरेंट स्टेट में है तो इंटर, और इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, ठीक है जी, ये याद आ गया होगा जी। इसके बाद अगला पॉइंट सुनिए, एक जनरल प्रोविजन है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में 12(2) बताने जा रहा हूं अभी मैं आपको। अगर सप्लायर और रिसीपिएंट दोनों इंडिया में हैं, तो सर्विसेज के लिए, सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, सप्लायर एंड रिसीपिएंट, ध्यान रहे दोनों में से एक बाहर का हो तो सेक्शन 13 ऑफ IGST में POS निकालते हैं, लेकिन अगर दोनों इंडिया के हैं फिर सर्विस के लिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 में निकाल रहे हैं, और सेक्शन 12 में बात करने जा रहा हूं सेक्शन 12(2) की, जो कि जनरल रूल है। कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस अलग हैं प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए निकालने के लिए अलग है, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो लेते हैं। अगर उन स्पेसिफिक सर्विसेज में नहीं आता तो फिर हम यहां निकालेंगे 12(2) में, हम क्या देखेंगे, अगर ये सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो भाई रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही POS होगा, ठीक है। अगर ये सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, हाँ जी, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही होगा अगर उस रिसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड में है। अगर सप्लायर के रिकॉर्ड में नहीं है तब सप्लायर की ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। जैसे एग्जांपल सुनिए, कंसल्टेंसी की सर्विस दी है, कंसल्टेंसी की सर्विस दी है, मान लीजिए हमारी कंपनी है एस्पायर सॉल्यूशन, वो है हरियाणा की, सप्लायर जो है वो हरियाणा का है, LOS क्या हो गया हरियाणा, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो LOS हो गया हरियाणा, हमने कंसल्टेंसी की सर्विस दी है, ये किसी और प्रोविजन में नहीं आती तो यहीं पर आएगी। कंसल्टेंसी की सर्विस दी हमने किसी एक क्लाइंट को, वो बेंगलोर की कंपनी और बेंगलोर में रजिस्टर्ड है, तो POS क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो इस रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस बेंगलोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये वाली सप्लाई LOS और POS दो क्या है, अलग डिफरेंट स्टेट में है, तो ये वाली सप्लाई क्या हो जाएगी,
इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट होगी तो फिर इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। हाँ जी, सेक्शन 12 में ही एक और बताने जा रहा हूं, स्पॉन्सरशिप सर्विस के लिए या इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं अगर उसके लिए, तो इसमें हमारे पास स्पॉन्सरशिप सर्विस के लिए यूज होना है, स्पॉन्सरशिप सर्विस के लिए अगेन अगर। हाँ जी, ये अब जनरल रूल नहीं लग रहा, स्पेसिफिक है। स्पॉन्सरशिप की सर्विस, असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप, या आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आप इवेंट मैनेजर हैं, तो आप 12(7) एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। ये कहता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो इसी रजिस्टर्ड पर्सन का ही प्लेस, इसका मतलब हम उसे क्रेडिट देना चाह रहे हैं। अगर हम ऐसे बोलते हैं ना, रजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस, इसका मतलब हम उसे क्रेडिट देना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो जहां इवेंट हेल्ड हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। ठीक है जी, और इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हेल्ड होता है, इस अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, क्योंकि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों कहां के थे, इंडिया के थे, तो रिसिपिएंट का फिर हम प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेंगे। अब मेरा एग्जांपल सुनिए। हाँ जी, एग्जांपल सुनिए क्या। मान लीजिए हमारी, हमने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है, हम कहां के थे, हम हरियाणा के, तो एलओएस क्या हो गया, हरियाणा। एलओएस क्या हो गया, हरियाणा। हमने जिसे सर्विस दी है वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, वो भी हरियाणा का ही है, तो पीएस क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा हरियाणा। अगर हमने इस रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को दिया, ये भी हरियाणा का ही है, ये हरियाणा का है। अगर ये अनरजिस्टर्ड हो, फिर हमें क्या लेना है, जहां इवेंट हेल्ड हुआ, इवेंट भी हरियाणा में ही हेल्ड हुआ है, तो अगेन पीएस क्या हो जाएगा, हरियाणा। पीएस क्या हो जाएगा, हरियाणा। तो मतलब अब एलओएस और पीओएस ये क्या है, सेम स्टेट है, तो इसे हम क्या मानेंगे, फिर इंट्रास्टेट सप्लाई मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे, इंट्रास्टेट सप्लाई मानेंगे। अच्छा जी, और देखेंगे और प्रोविजन। ओ, ये क्या है, सेक्शन 15 आपको याद हो, सेक्शन 15 में पांच चीजें ऐड होती हैं, उन पांच चीजों में एक चीज 15(2)(e), मैं इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये है सब्सिडी के लिए। सब्सिडी अगर आपको कहां से मिली है, गवर्नमेंट से, ये आपकी वैल्यू में ऐड नहीं होगी। सब्सिडी अगर अदर से मिली है, प्राइवेट वालों से, अगर ये आपकी सप्लाई से लिंक है तो ऐड होगी, अगर सप्लाई से लिंक नहीं है तो ऐड नहीं होगी। क्या मतलब, अगर उस सप्लाई से आपकी उस गुड्स की या सर्विस की प्राइस इफेक्ट हो रही है, तो वो आपकी सप्लाई से लिंक्ड मानी जाएगी। जिस भी गुड्स या सर्विस में आप डील करते हैं, अगर उसकी प्राइस उस सब्सिडी की वजह से इफेक्ट हो रही है, तो माना जाएगा वो सप्लाई से लिंक्ड है, वो आपकी वैल्यू में ऐड होगी। अगर वो लिंक नहीं है, आपकी गुड्स या सर्विस की प्राइस को कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे, भले ही वो गवर्नमेंट से ना मिली। गवर्नमेंट से मिली है, फिर वो लिंक्ड हो या लिंक ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट से मिली है, फिर ऐड ही नहीं करनी। अदर देन गवर्नमेंट वाली भी तभी ऐड करनी है जब हमारी सप्लाई से लिंक हो। अगला पॉइंट सुनेंगे, एक आईटीसी का पॉइंट, सेक्शन 17(5) में बता रखा है कब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें एक पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इसका क्रेडिट नहीं मिलता। दो ही केसेस में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलेगा। अगर पहले सेकंड पॉइंट करते हैं, अगर ये एम्प्लॉयर को ये वाली सर्विस देना लॉ के द्वारा ऑब्लिगेटरी हो, स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो, ऐसी कुछ फैक्ट्रीज हैं जहां पर वर्कर्स की लाइफ रिस्क पर रहती है, तो लॉ द्वारा अगर ऑब्लिगेशन हो कि ये तुम्हें देना जरूरी है, तो उस लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलेगा। अगर कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से दे रहे हैं, फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर कंपनी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज की लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे किया है, उसका क्रेडिट जनरली नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट है। अगर लॉ द्वारा ऑब्लिगेशन है ये वाली सर्विस देना जरूरी, तो क्रेडिट मिलेगा, या इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई सेम हो, मतलब आप लाइफ इंश्योरेंस री इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसका एक कंपनी दूसरी कंपनी से री इंश्योरेंस करा रही है, तो ही आपकी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई सेम होगी। चलिए इसके बाद, हाँ जी, अब आईटीसी यूटिलाइज कैसे किया जाता है देखेंगे। सबसे पहले हम आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करते हैं।
अगर आपके पास परचेज पे आईजीएसटी का क्रेडिट है, ये आप यूटिलाइज करेंगे सबसे पहले आईजीएसटी के लिए। अगर कुछ फिर भी आईजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है तो फिर आप सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी के लिए भी, किसी भी रेशियो में, किसी के लिए भी आप थोड़ा थोड़ा दोनों के लिए यूज करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप पहले एसजीएसटी के लिए यूज करना चाहते हैं, एसजीएसटी के लिए यूज कर लो। पहले आप सीजीएसटी के लिए यूज करना चाहते हैं, पहले सीजीएसटी के लिए यूज करो, आपकी मर्जी है। बस पहले आईजीएसटी बचा हुआ, फिर यहां सीजीएसटी आईजीएसटी, ठीक है जी। वो भी किसी भी रेशियो में, किसी भी ऑर्डर में। आईजीएसटी पूरा खत्म कर लीजिए, आईजीएसटी पूरा खत्म कर लीजिए, इसके बाद आप सीजीएसटी को टच करेंगे। सीजीएसटी का क्रेडिट अब फिर पहले सीजीएसटी के लिए, बचा तो आईजीएसटी के लिए, फिर एसजीएसटी का क्रेडिट उठाएंगे थर्ड नंबर पर, पहले एसजीएसटी के लिए, बचा तो आईजीएसटी के लिए। सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में कोई क्रॉस यूटिलाइज नहीं होते हैं। ऐसी फिर आपने ये टेबल देखी हुई होगी आपके पास चार्ट में, ठीक है। तो चलिए, इतने के बाद अब हम बहुत नॉलेज इकट्ठी कर ली, अब हम अपना पहला केस सिनेरियो कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए अब हम अपने केस सिनेरियो वन को पढ़ते हैं, केस सिनेरियो वन को, ठीक है। मैंने वैसे नीचे चार्ट बना रखा है, मैं यहां से दिखा सकता हूं, फिर भी ये मैंने चार्ट बनाया कैसे, मैं किसका एक आइडिया देना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले आप क्या करें, किसी भी केस सिनेरियो के पैरा को पढ़ने से पहले उसके पांच जो एमसीक्यू पूछे हुए हैं वो पढ़ लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमें इनवर्ड सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई अलग अलग लिखनी है कि नहीं लिखनी। मोस्टली 80% केस सिनेरियो में आपको इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई अलग से आइडेंटिफाई करनी होगी, अलग से लिखनी होगी, ठीक है। तो वो कहां से पता लगेगा, अगर क्वेश्चन में आपसे इनपुट क्रेडिट पूछा हुआ है, या आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू पूछी हुई है, या इनवर्ड सप्लाई की रिवर्स चार्ज वाली वैल्यू पूछी हुई है, या जीएसटी कैश से कितना पे करना वो पूछा हुआ है, या नेट लायबिलिटी आईटीसी के बाद में क्या बनती है ये पूछा हुआ, अगर ये चीजें पूछी हुई हैं तो आपको इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई अलग अलग कर लेनी चाहिए। बड़ा आसान होगा फिर उस केस सिनेरियो को सोल्व करना। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, जो क्लाउड सर्विस हमने प्रोक्योर करी है उस पर बताइए जीएसटी किसको देना होगा, ठीक है हमने पढ़ लिया। दूसरा पार्ट, सिटिंग फी पर और सैलरी पेबल पर किसे जीएसटी देना होगा डायरेक्टर की, ये तो आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब तो आप केस सिनेरियो ना भी पढ़ो तो भी बता सकते हैं। तो अगर आपके पास एग्जाम में केस सिनेरियो पढ़ने का समय बहुत कम बचा, आपका बहुत टाइम और कहीं कंज्यूम हो गया, तो आप कुछ केस सिनेरियो, दो तीन केस सिनेरियो के क्वेश्चन तो यूं ही जवाब दे पाएंगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद तीसरा आईटीसी अवेलेबल पूछा है, मतलब इनवर्ड सप्लाई मेरे को अलग करनी पड़ेगी, जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उनमें मेरे को इनवर्ड सप्लाई वाले पॉइंट अलग निकालने पड़ेंगे। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेजेस वाले, जो इनपुट सर्विसेज वाले, वो मेरे को अलग करने पड़ेंगे, ओके। 1.4 आउटवर्ड सप्लाई मेरे से पूछी है, तो मेरे को आउटवर्ड सप्लाई वाले पॉइंट अलग करने पड़ेंगे। जीएसटी कैश में पे करने वाला पूछा हुआ है, तो मेरे को आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई दोनों ही चाहिए। पहले मैं आउटवर्ड सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स निकालूंगा, आईटीसी माइनस करूंगा, फॉरवर्ड चार्ज वाला मेरा कैश लेजर में पेमेंट आ जाएगा, रिवर्स चार्ज वाला मैं कैश लेजर वाला पेमेंट लिखूंगा, ये मेरा फिर ये बनेगा। ध्यान रहे, ये रिवर्स चार्ज वाला जो टैक्स आपने पे किया ये आपने क्रेडिट भी लेना है यहां पर, ओके। तो मुझे पता लग गया इन पांच क्वेश्चन को पढ़ने से कि मेरे को आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई अलग से चाहिए। पहला केस सिनेरियो में बड़ा सिंपल है, पहले तीन पॉइंट आपको दे ही किसके रखे हैं, इंपोर्ट है, सिटिंग फी पे करी है कंपनी ने, लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट करी है, सीधा सीधा लिख लें आप भी, ये हमें इनवर्ड सप्लाई के दे रखे हैं, हमें ढूंढने नहीं पड़ रहे, पहले तीन पॉइंट में इनवर्ड सप्लाई के ही पॉइंट दे रखे हैं, और अगले तीन पॉइंट हमने कंसल्टेंसी की सर्विस दी है, हमें सब्सिडी रिसीव हुई है, हमने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है, तो इसका मतलब अगले तीन पॉइंट हमने आउटवर्ड सप्लाई के हैं हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, अलग से दे रखे हैं। लेकिन सेकंड केस सिनेरियो करेंगे उसमें ऐसे अलग से नहीं दे रखे हैं, तो ढूंढने पड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे, पूरा पूरा, कोई भी वर्ड मिसिंग नहीं रहना चाहिए, मिस नहीं करना, सीधा पहले पॉइंट से नहीं पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सीएनसेट बहुत चालाक है,
वो कुछ ऊपर में पॉइंट में भी कुछ छुपा सकता है। ठीक है अली, चलिए पढ़ते हैं। एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स, कई प्रकार की सर्विसेज देता है और इसका ऑफिस ये हरियाणा में है, वहां से सर्विस दे रहा और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर अंडरटेकन बाय एस्पायर सॉल्यूशंस, जुलाई महीने में ये हमें ट्रांजेक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा एक एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है। तो मैंने चार्ट में लिख दिया एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा, मतलब ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है। ओके, ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब यहां से ये सर्विस दे रहा है, ये एलओएस हो गया। अगर पीओएस निकालना होगा तो निकाल लेंगे, ये एलओएस हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जुलाई महीने की ट्रांजेक्शंस है, परचेज भी जुलाई महीने की है और सेल भी जुलाई महीने की है। तो मैंने क्या लिखा, एक तरफ मैंने लिख लिया इनवर्ड सप्लाई, ये मेरी जुलाई महीने की, और दूसरी तरफ मैंने लिख लिया ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई, ये जुलाई महीने की। ओके, चलते हैं पहला पॉइंट। इंपोर्ट ऑफ सर्टेन क्लाउड सर्विस, मतलब ओ आई डी ए आर सर्विस, ये हमारी क्या है, ये ओ आई डी ए आर सर्विस इंपोर्ट करी है। किसने इंपोर्ट करी है, एस्पायर सॉल्यूशन हमारी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कहां पर, हरियाणा में। तो ये ओ आई डी आर वाली सर्विस किसने इंपोर्ट करी है, बिजनेस एंटिटी, ये एनटीओआर ने रिसीव नहीं करी, ये ओ आई डी आर वाली सर्विस किसने इंपोर्ट करी है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी ने। तो क्या रिवर्स चार्ज में, सोच के बताओ, क्या रिवर्स चार्ज में इस वाली सर्विस पे रिवर्स चार्ज में हमें एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना होगा। आंसर इज यस 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 यस, ये हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ये हमने इंपोर्ट किया है और यहां पर पीएस क्या होगा, यही रिसीपिएंट के लोकेशन मतलब इंडिया मतलब हरियाणा, और पीएस ये होगा सप्लायर बाहर का है, इंपोर्ट करी हमने तो इस पे हमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख, 50 लाख की सर्विस इंपोर्ट करी है लेकिन इस पर एडिशनल चार्ज 2% इक्वलाइजेशन लगाए ऑन सच सर्विसेज इन इंडिया विच इज रिकवर्ड फ्रॉम ऑफशोर सर्विस सप्लायर बाय द गवर्नमेंट। भारत सरकार ने 50 लाख पर कोई इक्वलाइजेशन लगाए लगता है, जब आप इंपोर्ट करते हैं ओआईडीआर सर्विस, इस पर इक्वेशन लगाए लगता है जो भारत सरकार ने उससे 2% ले रखा है, तो 50 लाख का 2% उससे ले रखा है। ओके जी, मतलब 1 लाख। ओके, फिर ये बोलता है सप्लाई बाय गवर्नमेंट, bizpart.com passes the taxes to its customer by charging them as its internal policy। और ये जिससे हमने सर्विस इंपोर्ट करी है वो सप्लायर कौन है, बिजकार्ट बाहर का, इसने ये वाले टैक्सेस इंडिया वाले कस्टमर से चार्ज कर लिए हैं एज पर इस इंटरनल पॉलिसी। तो हमारे से उसने 50 लाख रुपए लिए या 50 लाख प्लस 2% लिया, हमारे से उसने 50 लाख प्लस 2% लिया जो कि आपका 51 लाख बना, ये आपका 51 लाख बना, ये आपसे लिया गया है। तो हमने नीचे लिख लिया हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो क्लाउड सर्विस, जो हमारी ओआईडीआर सर्विस है, ये हमारी OIDAR सर्विस है, ये हमारी 51 लाख की है। ठीक है, और इस 51 लाख पर हमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है। नीचे रेट दे रखे हैं, 18% हमारा आईजीएसटी का रेट है, इंपोर्ट हमारी क्या थी, इंटरस्टेट सप्लाई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, एस्पायर सॉल्यूशन ने सिटिंग फी पे करी है 25,000 ईच टू इट्स 4 डायरेक्टर पर मंथ। हाँ जी, तो 4 डायरेक्टर हैं, एक महीने की इस जुलाई महीने की कितनी हो गई जी, इस जुलाई महीने की कितनी सिटिंग फी हो गई, 25,000 इंटू में 4, 1 लाख। तो हमने नीचे लिख लिया हमने सिटिंग फी पे करी है 1 लाख की, ये 4 डायरेक्टर की पर मंथ। ओके, नेक्स्ट इसमें बोलता है देयर आर 2 डायरेक्टर हु आर इन एग्जीक्यूटिव रोल एंड विड्रॉइंग 2 लाख ईच पर मंथ एज सैलरी फ्रॉम द कंपनी, और 2 डायरेक्टर हैं सैलरी, ये तो शेड्यूल 3 में सप्लाई नहीं है, टाइम खराब कर रहा हमारा, कह रहा सेक्शन 192 में टीडीएस भी कटता है सैलरी मानकर, तो ये समय खराब कर रहा हमारा। हमें पता, हमने लिख भी दिया फिर भी कि हमने 4 लाख की सैलरी दी है, ये सैलरी है तो इस पे कोई ये सप्लाई नहीं है, इस पे सेक्शन 192 में टीडीएस भी कटा हुआ है। ठीक है जी, ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, ये हमने पेमेंट करी है एज
इंटरनल पॉलिसी है कंपनी की और प्रीमियम दिया है 5 लाख का। तो हमने इंश्योरेंस लिख लिया 5 लाख का है, ये इंटरनल पॉलिसी है, इसका मतलब ये ब्लॉक क्राइट है, इस पे हमें क्राइट नहीं मिलेगा। ये 17.5 में ब्लॉक क्राइट है, ये क्राइट हमें नहीं मिलेगा, ये क्राइट नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। और ये सप्लाई ही नहीं है तो इस पे जीएसटी की बात नहीं आएगी, तो आईटीसी की बात भी नहीं आएगी। ओके चलते हैं आगे, नेक्स्ट। एस्पायर सॉल्यूशन ने अब दी है सर्विस, तो आउटवर्ड सप्लाई किसको दी है, जूम कॉर्पोरेशन बेस्ड इन बेंगलोर एंड इश्यूड एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 30 लाख। जुलाई में ही हमने उसे इनवॉइस भी इशू कर दिया है जूम कॉर्प को, तो कंसल्टेंसी की सर्विस दी है। तो ये कौन सी सप्लाई हो गई जी, एलओएस क्या है हरियाणा, और पीएस क्या होगा सेक्शन 12(2) के हिसाब से, सेक्शन 12(2) के हिसाब से ये बेंगलोर होगा। तो इसमें एलओएस है हरियाणा और पीओएस है बेंगलोर, तो ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, ठीक है। ये पीओएस बेंगलोर आपने किससे निकाला, सेक्शन 12(2) से, सेक्शन 12(2) आईजीएसटी का, जो कि बोलता था जनरल प्रोविजन। ओके तो हमारी इंटरस्टेट सप्लाई होगी। ओके नेक्स्ट, एम्पावरिंग इंडिया इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन हरियाणा, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हरियाणा में लोकेटेड है। इट एम्स एट एम्पावरिंग द एलिजिबल कंपनीज टू ग्रो देयर बिजनेस इन इंडिया, तो एलिजिबल कंपनीज को उनका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करती है एनजीओ, ये एनजीओ है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एस्पायर सॉल्यूशन बीइंग वन ऑफ इट्स एलिजिबल कंपनीज रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 5 लाख इन लमसम फ्रॉम एम्पावरिंग इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। क्या ये जो सब्सिडी मिल रही है, क्या किसी हमारी सर्विस की प्राइस को इफेक्ट कर रही है, या गुड्स की प्राइस को इफेक्ट कर रही है, या जनरल सब्सिडी है? ये तो सभी कुछ कंपनी जो एलिजिबल कंपनी है उनको सब्सिडी दिया करते हैं कि इंडिया में ग्रो करे वो अपना बिजनेस, इस पर्पज से मिल रही है। ये हमारी किसी गुड्स की प्राइस या सर्विस की प्राइस को इफेक्ट नहीं कर रही है, तो इस सब्सिडी का हमारा वैल्यू में नहीं ऐड होगा। तो हमें भले ही सब्सिडी मिल रही है, ये ऐड नहीं होगी, ये नॉट ऐड इन वैल्यू। भले ही ये गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है, ये हमारी वैल्यू में ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं ऐड होगी, क्योंकि हमारी प्राइस को इफेक्ट नहीं कर रही है। ओके नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एस्पायर सॉल्यूशन ने सर्विस दी है स्पॉन्सरशिप की, प्रोवाइड करे स्पॉन्सरशिप टू मिस्टर एक्स एंड इंडिविजुअल। स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर हम कंपनी या फर्म को देते थे तो रिवर्स चार्ज था, ये हमने इंडिविजुअल को दिया, तो क्या हमें ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना होगा? जी हाँ, ये फॉर एन इवेंट एक इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है, फॉर एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय इट इन स्टेट ऑफ हरियाणा, हम भी हरियाणा के, तो एलओएस क्या हरियाणा, पीएस क्या होगा, जहां इवेंट हेल्ड हुआ, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो मानते हैं जहां इवेंट हेल्ड हुआ, इसको दी है, तो पीएस भी हरियाणा है, पीएस भी क्या है हरियाणा है। अमाउंट एग्री किया था 5 लाख, तो हमने लिख लिया ये स्पॉन्सरशिप की सर्विस के लिए 5 लाख का, एलओएस है हरियाणा क्योंकि हम हरियाणा के, पीएस क्या है हरियाणा, ये हमने 12(7) के हिसाब से निकाला, आईजीएसटी के 12(7) के हिसाब से जहां इवेंट हेल्ड हुआ, ठीक है। तो ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है। ओके आगे पढ़ेंगे, अमाउंट गिवन अबाउट और एक्सक्लूजिव ऑफ जीएसटी, अगर ये कुछ नहीं भी बोलता तो भी हम एक्सक्लूडिंग जीएसटी मानते, कोई अदर इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई इन ट्रांजेक्शन के अलावा नहीं है, ओपनिंग बैलेंस आईटीसी करने लगा कुछ नहीं बोलता तब भी यही मानते, कह रहा ऊपर वाली सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन ओवर अज्यूम दैट ऑल नेसेसरी कंडीशन ऑफ आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड, बाकी कंडीशन आईटीसी के फुलफिल हो रही है, और इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई पर ये रेट है इंट्रास्टेट 9, बस हमने ये लिख दिया। अगर मैं आपको इस पैरा फॉर्म को ना भी पढ़ाता, मैं सीधा सीधा यहां से बता देता, आंसर फटाफट निकल जाते। मैंने एक कोशिश की ये कि आप चार्ट बना ले, रफ एक चार्ट बना ले तो फटाफट सोल्व हो जाएगा। अब मेरे पास बड़ा ही आसान है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई अलग है, क्वेश्चन पढ़ने और आंसर सोल्व करने हैं। और सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़े थे जिससे मुझे आइडिया लगा मेरे को चार्ट कैसा बनाना है, मेरे को इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई अलग करनी है कि नहीं करनी, उस क्वेश्चन से मेरे को पता लगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, सबसे सही आंसर आपको चूज करना है। जीएसटी लायबिलिटी फॉर क्लाउड सर्विस प्रोक्योर्ड बाय एस्पायर सॉल्यूशन फ्रॉम bizcard.com शैल बी, ढूंढने की जरूरत है या खुद ही बता दोगे? क्लाउड सर्विस जो आपने एस्पायर सॉल्यूशन जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, कहां हरियाणा में रजिस्टर्ड है, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, ये एनटीओआर नहीं है, ये बिजनेस एंटिटी है,
ये बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, तो इसे ही क्या इस एस्पायर सॉल्यूशन को ही रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा? जी हाँ, कितने पे? 51 लाख पे, 51 लाख पे, 51 लाख पे, इस पे 18% लगाए। नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका डिटेल में आंसर भी सोल्व करके दे रखा, देखेंगे। मैंने सेक्शन 14 का रेफरेंस दिया, फिर मैंने यहां बताया अगर सप्लायर नॉन टीटी में है पर्सन और ये सर्विस कौन सी है, अगर ये एनटीओआर ने रिसीव करी है, अगर ये सर्विस दी गई है ओआईडीआर वाली सर्विस एनटीओआर को, तो फिर सप्लायर पे करता है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में ये ओआईडी सर्विस बिजनेस एंटिटी ने रिसीव करी है, तो बिजनेस एंटिटी ने रिसीव करी हो तो रिसीपिएंट रिवर्स चार्ज में पे करता है। तो रिसीपिएंट हमारा कौन है? ये एस्पायर सॉल्यूशन, एस्पायर सॉल्यूशन ये रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। ये इस 51 लाख पे 18% लगाएंगे, 11,918। तो इसमें डी पॉइंट जो आपकी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगी। अब एक बार आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़ो, हमारा आंसर ये डी वाला है, ठीक है। अब पढ़े फटाफट से ए बी सी ये थे कि नहीं थे, फटाफट से देखिए। हाँ जी, पढ़ लिया जी। पहले पॉइंट में बोल रहा बिज कार्ड पे करेगा, नालायक है, ओआईडी सर्विस बिजनेस एंटिटी ने रिसीव करी है, एनटीओआर ने नहीं, तो पहला गलत है। बी नील बोल रहा है, ये भी गलत है। थर्ड में बोल रहा है कि ये फॉरवर्ड चार्ज में पे होगा बिज कार्ड, अगेन गलत है। तो रिवर्स चार्ज में एस्पायर सॉल्यूशन पे करेगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ जी, अगेन एस्पायर सॉल्यूशन ये आपसे पूछ रहा है सिटिंग फी की टैक्सेबिलिटी जो डायरेक्टर्स को पे की गई है और सैलरी पेबल पर टैक्सेबिलिटी। सिटिंग फी पर रिवर्स चार्ज में एस्पायर सॉल्यूशन पे करेगी और सैलरी पर कोई जीएसटी नहीं होगा। तो इसमें पहला पहला ही आपका ए पॉइंट, सिटिंग फी पेड टू डायरेक्टर लायबल टू जीएसटी ना रिवर्स चार्ज, ठीक है, सैलरी पेड शैल नॉट बी लायबल टू जीएसटी, यही आंसर होगा आपका। अगले बोल रहा है यह सर्विस एग्जेम्प्ट है, गलत है। अगले में बोल रहा है कि दोनों पे ही सैलरी पर भी सिटिंग पे भी रिवर्स चार्ज होगा, गलत है। टोटल अमाउंट इज लायबल पे जीएसटी और फॉरवर्ड चार्ज, ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा ए आंसर करेक्ट है, मैंने नीचे वो आपको रीजन डिटेल रीजन नीचे दे रखा है। सैलरी ये सेक्शन 192 सैलरी का पार्ट होता है, इसलिए जीएसटी नहीं लगता, ये शेड्यूल 3 में सप्लाई नहीं मानी जाती, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं। और इधर सिटिंग फी पर ये 194J में टीडीएस कटता है, तो इस पर रिवर्स चार्ज में कंपनी जीएसटी पे करेगी। अब थर्ड क्वेश्चन, उससे पूछा है आईटीसी बताइए जुलाई महीने के लिए क्या होगा। तो अपने चार्ट में देखिए फटाफट से, चार्ट में हमने थर्ड पॉइंट को सप्लाई नहीं माना, जीएसटी नहीं, कोई आईटीसी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का ब्लॉक था, तो हमारे बचे कौन थे? ये दो। तो 51 लाख जो आपने इंपोर्ट करी थी सर्विस, इस पे 18% आपने निकाल रखा है 9,18,000। और इसके अलावा सिटिंग फी पर 1 लाख पर इस पे जीएसटी निकाल देंगे, तो देखेंगे बस ये दो, 9,18,000 इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, 9,18,000 इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, और डायरेक्टर वाली सर्विस का ये आपका 1 लाख पर 18% सीजीएसटी एजीएसटी। तो बस जी, अगला लाइफ इंश्योरेंस ब्लॉक है, तो ये टोटल कितना हुआ? 9,36,000, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट 1.4, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड। अगेन आउटवर्ड सप्लाई के लिए एक बार देख ले जी, हमारे चार्ट में देखते हैं। हमारा चार्ट क्या कहता था जी? चार्ट कहता था पहली सप्लाई हमारी इंटरेस्ट रेट थी, आईजीएसटी लगना है इस पर 30 लाख पर। तो उसने हमारे से वैसे आउटवर्ड सप्लाई पूछी हुई है, तो हमारी 30 लाख है। नेक्स्ट सब्सिडी, इस पर जीएसटी नहीं लगना, उसने हमसे ये वाली हमारी जीएसटी नहीं लगना, तो वैल्यू में एड ही नहीं होगी, ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे। और एक स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है, इसमें हमें फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना है। तो ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई पूछी थी, ये आएगी 2, 30 और 5, 35 लाख। तो आइए आंसर देखेंगे, ये कंसल्टेंसी सर्विस,
जो बेंगलोर वाले को दी थी 30 लाख, और सब्सिडी वाला वैल्यू में ऐड होना नहीं क्योंकि वैल्यू से लिंक नहीं है। फिर 5 लाख स्पॉन्सरशिप सर्विस, टोटल 35 लाख, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा है कैश लेजर से कितना पे करना होगा। तो फॉरवर्ड, अब ये आउटवर्ड सप्लाई पे 30 लाख पर 18% निकालना था आईजीएसटी, तो 30 लाख पर 18%, तो हमने 30 लाख पर 18% निकाल लिया, ये 5,40,000 आ गया। और ये जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दी थी ये हरियाणा में दी थी, ये हमारी इंट्रा स्टेट थी, तो इस 5 लाख पर सीजीएसटी एचजीएसटी 45,000, 45,000 इस 5 लाख पर सीजीएसटी एचजीएसटी, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब आईटीसी अभी आपने पीछे निकाला ही है, हमने आईटीसी निकाला ही है, 9,36 का है, इसमें सबसे पहले हमें आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करना है, तो हम इस 9,18,000 का यूज करेंगे, हमें देना ही कितना है 6,30 देना है, तो हमारा आईजीएसटी ही यूज हो जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज और लायबिलिटी निल बनेगी, फॉरवर्ड चार्ज और लायबिलिटी निल बनेगी। ठीक है, अब लेकिन जो सिटिंग फी थी, ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज वाला, उसने पूछा कैश लेजर से कितना पे करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज वाला तो आपने नेट कर लिया आईटीसी माइनस करने के बाद, वो निल बना, लेकिन रिवर्स चार्ज वाला टैक्स, हालांकि आपने उसका क्रेडिट ले रखा, लेकिन वो आपको कैश लेजर से पे करना है, तो वो कैश लेजर से हम पे करेंगे, एक तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का और एक डायरेक्टर सेटिंग फी का, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का और डायरेक्टर सेटिंग फी का। ठीक है, तो हमारा ये 9,18,000 आया, 9,000 फॉरवर्ड चार्ज वाला निल है, लेकिन रिवर्स चार्ज वाला हमारा 9,36,000 बन रहा है, तो 9,36,000 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा केस सिनेरियो वन हुआ कंप्लीट, केस सिनेरियो वन हुआ कंप्लीट। आगे चले, जी सर, केस सिनेरियो टू पे आ जाइए, केस सिनेरियो टू। हाँ जी, जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 4 पर, केस सिनेरियो टू। जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं उन्हें इसके नोट्स भी नीचे लिंक में मिल जाएंगे। हाँ जी, केस सिनेरियो टू, अगेन इसका भी मैंने चार्ट बनाया हुआ, मैंने कोशिश क्या करी है, इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़कर, आपकी लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है तो राइट साइड पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, इधर आगे पन्ने पलटने ना पड़े। एक अदर क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, एक में क्वेश्चन पन्ना पलटना पड़ेगा आपको, पेज पलटना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहां सामने लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन है, पेज नंबर 4 पर देखो, राइट साइड पे चार्ट दे रखा है, सामने सामने दिख रहा होगा, बड़ा इजी रहेगा देखने में भी। ठीक है, अगेन मैंने क्या बोला था, केस सिनेरियो को पढ़ने से पहले आप अपने उसके एमसीक्यू पढ़ लो, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा, हमें इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई अलग से लिखनी है नहीं लिखनी, कुछ आइडियाज लग जाएंगे, तो हम पढ़ लेते हैं। हमसे क्या पूछा हुआ है चार्ट के नीचे, पहला 2.1, हमें जीएसटी, टोटल जीएसटी लायबिलिटी पूछी है नेट ऑफ आईटीसी, तो इसका मतलब परचेज मुझे अलग चाहिए, मुझे इनवर्ड सप्लाई अलग चाहिए, मेरे को आउटवर्ड सप्लाई अलग चाहिए, मुझे यहीं से ही पता लग गया, अल्फा लिमिटेड के लिए चाहिए। ओके, फिर इसके बाद 2.1 के बाद अब 2.2, ग्रोस आईजीएसटी लायबिलिटी बताओ, मतलब आउटवर्ड सप्लाई चाहिए मुझे विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी इफ एनी ऑफ सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। ओहो, दूसरी कंपनी आ गई, पहले अल्फा थी, एक दूसरी कंपनी भी आ गई, तो हमें इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सबकी अलग अलग चाहिए। ओके, फिर इसके बाद ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज के ये पे करे हैं सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड ने, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। चलो, हमें एक आइडिया लग चुका है कि हमें अलग से चाहिए इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, और कई कंपनीज हैं। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको, क्योंकि एक ही कंपनी थी, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई का मैंने अलग अलग पार्टी बना दिया, एक इनवर्ड सप्लाई अलग दिख रही है, आउटवर्ड सप्लाई अलग दिख रही है, लेकिन इसमें कई सारी कंपनियां, हो सकता है कुछ कहानियां बना रखी हो, तो हम क्या करेंगे, हम पहले पूरा चार्ट बना लेंगे, फिर उसके ब्रैकेट में लिख लेंगे ये इनवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं अब आपको, देखना, इसमें मैंने वैसे नहीं बनाया पिछले वाला चार्ट, यहां जो ये बोलता गया मैं वैसे वैसे लिखता गया। कह रहे सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, ये 100% सब्सिडरी है किसकी, सुपरनोवा LLC जापान की। तो ये सुपरनोवा इंडिया 100% सब्सिडरी जापान वाली कंपनी की है, ये कहां रजिस्टर्ड है, ये सुपरनोवा इंडिया ये रजिस्टर्ड है इन गुजरात। ओके,
सुपरनोवा इंक सिंगापुर इज अनदर सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा एलएलसी जापान। तो इस जापान वाली एलएलसी की दो सब्सिडरी हैं, एक इंडिया में एक सिंगापुर में। इंडिया में कहां पर? इंडिया में गुजरात में, और दूसरी कहां पर है? सिंगापुर में। इन सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स टू कस्टमर अक्रॉस द वर्ल्ड, वो गुड्स बेचा करती है। तो मैंने इतने के लिए अब चार्ट बना लिया, देखेंगे। मैंने सुपरनोवा एलएलसी जापान लिखा और मैंने लिखा इसकी दो सब्सिडरी हैं, पहली सब्सिडरी गुजरात में है, दूसरी सब्सिडरी सिंगापुर में है। इतना मैंने चार्ट बना लिया। ओके, ये गुजरात में रजिस्टर्ड है और ये दूसरा, ये वो कहां की है? सिंगापुर की। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या बोलता है? इन इंडिया सुपरनोवा इंक सिंगापुर सेल्स द गुड्स टू अ सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड जीएसटी इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो सिंगापुर वाली सब्सिडरी है, ये किसे सामान बेच रही है? सुपरनोवा इंडिया को नहीं, दूसरी सब्सिडरी को नहीं, कोई और कॉन्ट्रैक्टर है, उसे ये माल अल्फा लिमिटेड को बेचती है। ओके, अल्फा लिमिटेड इसका मतलब इससे इंपोर्ट करती है, इस सिंगापुर वाली सब्सिडरी से इंपोर्ट करती है गुड्स सोल्ड बाय सुपरनोवा इंक सिंगापुर एंड कैरीज आउट द रिक्वायर्ड टेक्निकल प्रोसेस ऑन सच गुड्स इन द फैक्ट्री लोकेटेड महाराष्ट्र। जो ये माल इसने इंपोर्ट किया इस अल्फा लिमिटेड ने इस दूसरी सब्सिडरी से, इसको ये प्रोसेस करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद, आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स अल्फा लिमिटेड, द गुड्स वर सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड टू सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड फॉर फर्दर सेल्स टू एंड कंज्यूमर। फिर इसने जो कहानी बताई, एक बार मैं चार्ट में बना लेता हूं। इसने बोला ये जो 100% सब्सिडरी है, ये सेकंड वाली, ये इस अल्फा लिमिटेड को बेचती है। तो मतलब अल्फा लिमिटेड इससे इंपोर्ट कर रही है, इससे इंपोर्ट कर रही है, ये इंपोर्टेड गुड्स को ये प्रोसेस करती है और फिर इसे किसे बेच देती है? इस सुपरनोवा को, इस सुपरनोवा को बेच देती है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद इसे बेच देती है। तो इसका मतलब जो अल्फा लिमिटेड की आउटवर्ड सप्लाई होगी, ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई होगी, आउटवर्ड सप्लाई ये इसके लिए क्या बन जाएगी? इस सुपरनोवा के लिए इनवर्ड सप्लाई बन जाएगी। इसके लिए क्या बन जाएगी? इसकी आउटवर्ड हमारे लिए इनवर्ड होगी। ठीक है, इसकी सेल हमारे लिए परचेज होगी। आउटवर्ड, इसकी आउटवर्ड सप्लाई हमारे लिए इनवर्ड सप्लाई होगी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि लो में यूज क्यों नहीं, तो मैं सेल परचेज भी यूज कर सकता हूं। तो इसने जो सेल करी, इसकी जो आउटवर्ड सप्लाई होगी, हमारे लिए क्या होगी? इनवर्ड सप्लाई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला उसने? हाँ जी, एज अ होल्डिंग कंपनी, एज अ होल्डिंग कंपनी सुपरनोवा एलएलसी जापान रिकवर्स एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द सेल्स मेड बाय सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड एज कमीशन ऑन मंथली बेसिस। अब जो ये एलएलसी जापान, जिसकी हम सब्सिडरी है इंडिया वाली सुपरनोवा इंडिया, इससे 20% रॉयल्टी के नाम से वो ले लेती है मंथली बेसिस पर कमीशन, मंथली बेसिस पर कमीशन। तो हमने चार्ट में फिर लिखा, ये जो सुपरनोवा एलएलसी है, हमसे जितने भी हम सेल करते हैं, जैसे जन्म में हमने 6 लाख और 8 लाख की सेल करी है, इसका इसका 20% ये क्या ले लेगी हमसे? कमीशन। तो हमारे लिए एक और इनवर्ड सप्लाई हो गई, ये हमारी इनवर्ड सप्लाई हो गई। ठीक है, इसके लिए सुपरनोवा एलएलसी के लिए आउटवर्ड सप्लाई है, हमारे लिए क्या हो गई? ये हमारी इनवर्ड सप्लाई हो गई, हमारी इनवर्ड सप्लाई हो गई। ठीक है, एक तो हम अल्फा से परचेज करते हैं, एक ये हम हमारे से ये कुछ कमीशन चार्ज कर दिए, तो हमारी एक और ये इनवर्ड सप्लाई हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जन, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जन अल्फा लिमिटेड इंपोर्टेड द गुड्स वर्थ 10 लाख फ्रॉम सुपरनोवा इंक सिंगापुर। हाँ जी, किसने? अल्फा लिमिटेड ने किससे, जो दूसरी सब्सिडरी थी, उससे 10 लाख का माल इंपोर्ट किया है। इंपोर्टेड गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जन अल्फा लिमिटेड नहीं, अल्फा लिमिटेड ने, अल्फा लिमिटेड ने सुपरनोवा इंक से, हाँ अल्फा लिमिटेड जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर था, ये देखो ना, ये अल्फा लिमिटेड ने इससे कितने का माल इंपोर्ट किया है? भाई इंपोर्ट करता था ना जन में, हमने लिख दिया ये इंपोर्ट 10 लाख का किया है। ओके, आगे क्या बोलता है? इसके अलावा इसी ने, अल्फा लिमिटेड ने इंटरस्टेट परचेज करी है इंडिया से ही 2 लाख की, इंटरस्टेट परचेज है, इंटरस्टेट परचेज है। ठीक है जी, फिर हमने एक और लिख दिया, ये इंटरस्टेट परचेज भी करी है हमने, इंटरस्टेट परचेज भी करी है डोमेस्टिक मार्केट से। तो इस अल्फा लिमिटेड की ये हो गई इनवर्ड सप्लाई।
अल्फा लिमिटेड की ये हो गई इनवर्ड सप्लाई, और ये जो होगी ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई होगी, ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई होगी। तो हमसे कोई ये पूछे कि ये बताओ अल्फा लिमिटेड को नेट जीएसटी कितना पे करना होगा, हम इसकी सेल पर ये जीएसटी निकालेंगे, ये जो सेल का टोटल वैल्यू आ रहा होगा इस पे जीएसटी निकालेंगे, इसमें से 25 का क्रेडिट माइनस कर लेंगे। हाँ जी, अब ये रेट जो है नीचे देख ले, रेट दे रखे हैं इंट्रास्टेट सप्लाई पर 99 और इंट्रास्टेट सप्लाई पर 18%। ठीक है, ऑल द अबाउट ट्रांजेक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट ये है। एक चीज और बोल रहा है, बेसिक कस्टम ड्यूटी निल है, आईजीएसटी एज एप्लीकेबल, मतलब ये आईजीएसटी 18% लगेगा, फिर नो एडिशनल ड्यूटी और सेस इज एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्यों लिख के दिया उसने, आपने कस्टम पढ़ रखा, वैल्यूएशन के क्वेश्चन किए, सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, फिर वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करके उस पे आईजीएसटी लगता है, ऐसा होता है। इसने कहा बीसीडी निल मान लो, आपके आसान कर रहा क्वेश्चन को, इंपोर्ट पे सिर्फ सिर्फ आईजीएसटी लगाना, कहना सेस प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज वो भी सर आप निल मान लो, वो कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा आपको इंपोर्ट पर 18% लगा देना, क्योंकि बाकी ड्यूटीज निल है, सीधा सीधा इस पर 18% लगा देना, आपके क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर दिया आईजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, और जो इंटरेस्टेड परचेज करी इस पर भी 18% निकाल दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखें क्वेश्चन में जो बोल रहा है मैं वैसे वैसे लिखता जा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने जैसे जैसे जितना बोला उतना ही लिखता गया भाई। उसने बोला सुपरनोवा एलएलसी, ये जापान है, इसके दो सब्सिडरी, हमने ये लिख दिया, ये सब्सिडरी अल्फा को माल बेचती है, मतलब ये इंपोर्ट करती है, वो हमने लिख दिया इंपोर्ट। तब उसने वैल्यू नहीं बताई थी, अब इंपोर्ट की वैल्यू बता दी, और इसके अलावा इंटरेस्टेड परचेज बता दी, और कह रहा है ये जो माल इंपोर्ट करता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद इसको सेल कर देता है। अब ये सेल के बारे में डिटेल देने जा रहा है, सेल के बारे में डिटेल देने जा रहा है। हाँ जी, सेल के बारे में डिटेल देने जा रहा है। हाँ, क्या दे रहा है हमारे को डिटेल देखेंगे। The value of processed goods sold by Alpha Limited to Supernova amounted to rupees 10 lakh. जो processed goods थे Alpha ने क्या किया, 10 लाख के इसे बेच दिए हैं, 10 लाख के इसे बेच दिए हैं। ओके, हाँ जी, मैं थोड़ा सा यहां आपको रोक कर, इस क्वेश्चन को इतना रोक कर कि आपने इतना पढ़ा, इसके दो सब्सिडरी हैं और ये इसे माल बेचती है, इंपोर्ट करती है और फिर इसको प्रोसेस करके सेल कर देती है, इतना आपने पढ़ा है। अब मैं इस केस सिनेरियो में जो भी चीजें यूज होने वाली हैं उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको रिमाइंड करा देता हूं, तो आएंगे केस सिनेरियो टू। अब मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। केस सिनेरियो टू में सेक्शन 15 में आपकी 5 चीजें ऐड होती हैं। पहली चीज, सभी प्रकार के टैक्सेस ऐड होंगे जीएसटी को छोड़कर। अब इसमें एक म्युनिसिपल टैक्स भी याद कर लीजिए, अगर म्युनिसिपल टैक्स रिकवर किए जाते हैं यह जीएसटी नहीं है, यह हमारी वैल्यू में ऐड होगा। जीएसटी को छोड़कर जैसे एक्साइज ड्यूटी है वो ऐड होगी, अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स है वो ऐड होंगे, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स ये ऐड नहीं होता है। ओके, 15(2)(b) ये क्या कहता है, अगर कोई सप्लायर की लायबिलिटी थी और रिसीपिएंट इनकर कर रहा है तो वो वैल्यू में ऐड होगा। इस पॉइंट को अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, सप्लायर की लायबिलिटी वाला। अच्छा, फिर आगे ये वाली बातें तो आपको पता ही है ना, एलओएसपीएस सेम स्टेट तो इंट्रा, एलओएसपीएस डिफरेंट स्टेट तो इंटर, अभी हमने बात करी थी, और इंपोर्ट को हम इंटर स्टेट मानते हैं जी। तो मुझे 5 चीजों में से 2 ही चीजों की जरूरत यहां पड़ने वाली है। 15(2)(e) अभी आपने सब्सिडी पढ़ी थी ना, वो हमारे यहाँ यूज नहीं होने वाली, मेरे यहाँ यही 2 चीज यूज होने वाली है। क्या, पहला टैक्सेस सभी ऐड होने हैं जीएसटी को छोड़कर, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड होगा। दूसरा, सप्लायर के लायबिलिटी अगर रिसीपिएंट इनकर कर रहा है तो ऐड होगा। मतलब क्या, यहां देखिए अल्फा लिमिटेड सप्लायर है, ठीक है, सुपरनोवा बायर है, ठीक है, सुपरनोवा बायर है। अल्फा लिमिटेड ने बिल बनाया 10,000 का, ये सुपरनोवा कहती है ये ना माल मेरे को मेरे प्लेस पे डिलीवर कर दे। कहां डिलीवर कर दे, मेरे प्लेस पे होम डिलीवरी, गुजरात में डिलीवरी कर दे।
तो इसने बोला ट्रांसपोर्ट के पैसे लगेंगे, बोले हम दे देंगे। तो ट्रांसपोर्ट के पैसे अल्फा को रिकवर करनी है, तो अल्फा खुद अपने ट्रक में भी भेज सकता है या ट्रांसपोर्टर से कॉन्टेक्ट करके भी भेज सकता है, ट्रक वाले किसी ट्रक वाले के थ्रू भी भेज सकता है। तो जितने भी पैसे ट्रक वाले को ये देगा वो इससे रिकवर कर लेगा, अब मैं आपको यहां याद दिला दूं, ट्रांसपोर्ट के पैसे जो इसने रिकवर किए 10,000 और 2,000 ट्रांसपोर्ट के, ये इसके 2,000 इसकी वैल्यू में ऐड होंगे, 2,000 इसकी वैल्यू में ऐड होंगे, ये 15(2)(b) में ऐड होंगे। सर कैसे कैसे कैसे, सुनो। अब ये ट्रक वाला चला यहां से, चल भाई चल दिया माल, ये सुपरनोवा के यहां पहुंचा दिया। अब अल्फा इसको बोलती है एक काम कर तू ना 2,000 ट्रक वाले को इसके पैसे दे दे, ये ऐसे मानेगा नहीं, तो एक काम कर तूने मेरे को 10,000 देना था, 2,000 देना था, 1440 देना था, एक काम कर मेरे को 10,000 प्लस 1440 दे दे, 2,000 इसको दे दे। बोले नहीं मैं तो तुम्हें दूंगी ना, बोले नहीं नहीं एक काम कर इसको दे दे। सप्लायर की लायबिलिटी थी ट्रांसपोर्टर को पे करना, क्या रिसिपिएंट इनकर कर रहा है? जी सप्लायर की लायबिलिटी, अल्फा लिमिटेड की लायबिलिटी थी इस ट्रांसपोर्टर को देना, सप्लायर की लायबिलिटी थी। कौन इनकर कर रहा है? रिसिपिएंट इनकर कर रहा है। क्या हमारी वैल्यू में ऐड होगा? जी 15(2)(b) कह रहा था, भले ही यहां पे आपने बिल में नहीं भी ऐड किया होगा ना तो भी जीएसटी पे करने के लिए वैल्यू में ऐड करेंगे। जो सप्लायर की लायबिलिटी थी, अल्फा लिमिटेड की लायबिलिटी थी ट्रांसपोर्टर को पे करना, वो अगर रिसिपिएंट इनकर कर रहा है, कौन? ये सुपरनोवा, ये इनकर कर रहा है, ये इस पे कर रहा है इस ट्रांसपोर्टर को, ये इस बिल में इस वैल्यू में ऐड हो जाएगा जीएसटी पे करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछूं? जी सर पूछें। सेक्शन 8 कंपोजिट मिक्स सप्लाई का आपने पढ़ा होगा, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? जी हाँ, ये जो वैल्यू और ट्रांसपोर्ट है ये कंपोजिट सप्लाई के लिए चार्ज किया है, गुड्स प्लस सर्विस के लिए चार्ज किया गया है, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई है। यहां पर जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा? वैल्यू में तो ऐड हो गया, गुड्स का लगेगा या ट्रांसपोर्ट वाला लगेगा? पूरी वैल्यू, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा और प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है, गुड्स का रेट लगेगा। ठीक है जी, गुड्स का रेट लगेगा। तो पहली बात हमने क्या बताया यहां पर, ये जो 15(2)(b) कहता है, ये 15(2)(b) कहता है ये इसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा, 15(2)(b) कहता है ये इसकी वैल्यू में 2,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बायर को पूरा क्रेडिट मिल जाएगा? जी हाँ, बायर को पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो टैक्सेस ऐड होंगे और ट्रांसपोर्ट सप्लायर की लायबिलिटी थी, रिसिपिएंट इनकर करी है, वैल्यू में ऐड होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन मैं अभी बता चुका हूं, फिर से आपको याद दिला देता हूं। क्या सबसे पहले हम परचेज के आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन आईजीएसटी के लिए करेंगे, अगर कुछ बचा तो फिर CGST SGST इन एनी ऑर्डर इन एनी रेशियो। फिर हम CGST IGST पहले पूरा खत्म कर देना है, फिर हम CGST टच करेंगे, फिर CGST का क्रेडिट यूज करेंगे CGST को पे करने के लिए, बचा तो IGST के लिए, फिर हम SGST का क्रेडिट टच करेंगे, पहले SGST के लिए, बचा तो IGST के लिए, और ऐसी आपकी टेबल थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, सेक्शन 10(1)(a) ये यूज होने वाला है प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट हो रही है, गुड्स की अगर मूवमेंट हो रही है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगी प्लेस ऑफ सप्लाई वो लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एस लिमिटेड ने, ये सप्लायर है गुजरात का, इसने एक्स लिमिटेड को, रिसीपेंट है राजस्थान का, इसे गुड्स बेचे और इस रिसीपेंट ने बोला ये मेरे माल यहां राजस्थान में पहुंचा दो, तो गुड्स की मूवमेंट होगी, गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट कहां होगी? राजस्थान में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा जी? राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऐसा 10(1)(a) बोलता है। दूसरा, यहां पर आईजीएसटी लगेगा क्योंकि LOS है गुजरात का, PSO क्या राजस्थान, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई होगी, आईजीएसटी लगेगा। एक और एग्जांपल देखें, एस लिमिटेड गुजरात का है, मिस्टर बी रिसिपिएंट यूपी का है। हाँ जी, अगर बी बोलता मैं खुद लेने आऊंगा, ये मैं खुद आऊंगा, ये खुद आया लेने, और फिर ये गुड्स को लेके जा रहा है, गुड्स की मूवमेंट हो रही है, यहां पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई आपका ये यही यूपी ही रहेगा, यहां चाहे खुद भी लेने आए तब भी यूपी रहेगा, क्योंकि हम गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट कहां मान रहे हैं? यही रिसीपिएंट के यहीं पे।
मैंने इसके बारे में डिटेल में प्लेस सप्लाई के चैप्टर में डिस्कस किया है, ठीक है। अगेन ये वाली सप्लाई आपकी इंटरेस्टेड सप्लाई होगी, आईजीएसटी लगेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 13 कुछ और चीजें सुन लो। सेक्शन 13 कब लगता है? जब सप्लायर या रिसिपिएंट दोनों में से एक बाहर का हो, दोनों में से एक बाहर का हो। तो सेक्शन 13(3) कहता है, सेक्शन 13(3) ए और बी है, इसमें बी पॉइंट यूज होने वाला, ये वाला। हमने अपने 5 बंदे भेजे ट्रेनिंग के लिए। हाँ जी, हमने अपने क्या किया, 5 बंदे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजे, ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजे हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये कहता है अगर अगर सर्विस रिसीवर की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है वहां सर्विस देने के लिए, सप्लायर के साथ में उस रिसीपिएंट की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, तो पीएस होगा जहां सर्विस परफॉर्म की गई। अगर बाहर भेज रहे फॉरेन कंट्री में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो जहां सर्विस दी गई वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और वो फॉरेन कंट्री फिर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब इसमें ये एक तो मैंने आपको ट्रेनिंग वाला एग्जांपल दे दिया है ना, इसको मैं पहले यहां से समझाता हूं चार्ट से। हाँ जी, इस चार्ट से देखिए जरा, इंडिया और कुछ है हमारे पास फॉरेन कंट्रीज, ठीक है जी, ये हमारे पास फॉरेन कंट्रीज। इसमें हम बात कर रहे हैं यूएसए की, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यूएसए की। अब हमारे पास इंडिया में कई सारे एम्प्लॉइज हैं, ये हमारे 7 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। हमने यहां से ट्रेनिंग के लिए भेजे बाहर फॉरेन कंट्री में, सप्लायर भी बाहर है जिस जो ट्रेनिंग दे रहा है, एलओएस भी यूएसए है, और पीओएस 13(3) भी अभी आपने पढ़ा, ये भी यूएसए है। सर्विस कहां दी जा रही है? बाहर। तो जहां सर्विस दी जा रही है, जहां ट्रेनिंग दी जा रही है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा 13(3)(b) के हिसाब से। हाँ जी, सप्लायर भी बाहर, एलओएस यूएसए, पीओएस प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां ये सर्विस दी जा रही है वो भी यूएसए। क्या ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है? ये कोई भी सप्लाई नहीं है, ना इंट्रा ना इंटर। इंट्रा में क्या होता था? इंट्रा में होता था एलओएस पीओएस सेम स्टेट, और इंटर में एलओएस पीओएस दो अलग स्टेट। फिर इंपोर्ट को हम इंटर स्टेट मानते थे, ना तो ये इंट्रा है ना इंटर है, ना ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए सप्लायर बाहर, रिसीपिएंट इंडिया में, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होना चाहिए? इंडिया में। यहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आ रहा है? यूएसए। सप्लायर भी बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर, इस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा, इस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये ना इंट्रा है ना इंटरस्टेट सप्लाई है, क्योंकि ना ये इंट्रा है ना ये इंटरस्टेट सप्लाई है। तो हमारी 5 कंडीशन होती है जीएसटी लगने के लिए। ये उन 5 कंडीशन में एक टेस्ट है हमारा कि ये सप्लाई इंट्रा या इंटरस्टेट सप्लाई होनी चाहिए। ये हमारी ना इंट्रा है ना इंटर है, इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर हम ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो यहां पर सप्लायर भी बाहर और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर, 13(3)(b) के हिसाब से, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगर सप्लायर रिसीपिएंट दोनों इंडिया में हैं, तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बताने जा रहा हूं किस केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है। अब जरा ध्यान से सुनना, हम हैं गुजरात के, हमने हमारा एक एम्प्लॉई गया कहां पर? एम्प्लॉई गया मुंबई में, वहां उसे होटल में रुकना पड़ा। होटल वाला क्या चार्ज करेगा? हाँ जी, एलओएस क्या है? एलओएस है मुंबई, एलओएस है मुंबई क्योंकि होटल मुंबई में है, सप्लायर मुंबई में है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई
सेक्शन 13, ये सेक्शन 12(3) के हिसाब से क्या होगा, जहां इमोबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। इमोबल प्रॉपर्टी लोकेटेड कहां है, मुंबई, तो ये पीएसबी क्या होगा, मुंबई। पीएसबी क्या होगा, मुंबई। तो हमसे सीजीएसटी और महाराष्ट्र जीएसटी चार्ज करेगा, क्या इसका आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं। गुजरात वाली कंपनी को इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, हमें हमारे ही स्टेट की इंटरस्टेट सप्लाई उसका क्रेडिट मिलता है। भाई हम कहां पे हैं, हमें गुजरात में, तो गुजरात जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, महाराष्ट्र जीएसटी का क्रेडिट कैसे मिल सकता है। इसलिए इस बिल में जो हमें सीजीएसटी और जो महाराष्ट्र जीएसटी लगा होगा, इसका हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें हमारे स्टेट की इंटरस्टेट सप्लाई का क्रेडिट मिलता है, ये तो किसी दूसरे स्टेट की इंटरस्टेट सप्लाई है, उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, इंटरस्टेट सप्लाई होती तो क्रेडिट मिलता, ये दूसरे स्टेट की इंटरस्टेट सप्लाई, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और सुन लीजिए जी, इसके बाद इवेंट्स के लिए जो इवेंट मैनेजर सर्विस देता है, मैं इसके लिए पहले ही बता चुका हूं आपको, इवेंट मैनेजर सर्विस देता है अगर ये रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को देता है तो LOR, अगर ये अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को देता है जहां इवेंट हेल्ड हुआ, और इस अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को अगर आउटसाइड इंडिया इवेंट हेल्ड हुआ वहां सर्विस दी, तो PS क्या होगा, LOR, LOR। हाँ जी, एक इवेंट मैनेजर ऑफ फन इवेंट लिमिटेड न्यू दिल्ली का है, LOS क्या हुआ, न्यू दिल्ली। ये LOS क्या हुआ, न्यू दिल्ली, क्योंकि यहां रजिस्टर्ड है। एस लिमिटेड को, सुपरनोवा लिमिटेड को, जो कि गुजरात में रजिस्टर्ड है, इसे सर्विस दी है, तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सर्विस दी है, तो पीएस क्या लेना है, इसी की ही लोकेशन, और इसकी लोकेशन क्या है, गुजरात, तो गुजरात होगा हमारा पीओएस। इवेंट मॉरिशियस में हो रहा है, कहीं भी हो रहा हो, हमें इससे क्या मतलब है, हमें इससे क्या मतलब है, ये तो रजिस्टर्ड है ना, तो रजिस्टर्ड के लिए हम क्या देखते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन का ही प्लेस। अगर अनरजिस्टर्ड का होता तो हम कुछ और देखते, इवेंट आउट इंडिया के लिए, तो हमें ये नहीं देखना, क्योंकि हम रजिस्टर्ड रिसीपिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और नॉलेज ले लीजिए जी, नहीं केस सिनेरियो जी, केस सिनेरियो 2 के अब हम चार्ट पढ़ते हैं, अब उसे कंप्लीट करते हैं जी। अब हमारे पास नॉलेज आ गई है, अब हम इस केस सिनेरियो को सोल्व कर पाएंगे, तो मैंने कुछ चीजें आपको याद दिला दी हैं। एक बार मैं बता दूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सुपरनोवा एलएलसी की दो सब्सिडरी है, ये जो सेकंड सब्सिडरी है इससे ये अल्फा इंपोर्ट करती है, ये इंपोर्ट कर रखा 10 लाख का, और इसने कुछ इंटरेस्टेड परचेज भी कर रखी है, इस परचेज से फिर कुछ प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद इसको सेल करती है, ये वाली चीज अभी हमें पढ़नी है। फिर दूसरा हमने पढ़ा है, ये जो सुपरनोवा इंडिया जो माल बेचती है जितने का भी उस महीने में, उसका 20% इसे कमीशन देनी पड़ती है, मतलब ये हमारी इसके लिए इनवर्ड सप्लाई हो गई, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे आगे। हाँ जी, केस सिनेरियो 2 पर आप आ गए हैं, पेज नंबर 4 पर। हाँ जी, वैल्यू ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड 10 लाख, तो इसने अल्फा लिमिटेड ने इसको कितने का माल बेचा है, 10 लाख का, ओके हमने लिख दिया 10 लाख का। आगे आगे क्या बोलता है, कह रहा है सुपरनोवा लिमिटेड पेड एन एडिशनल अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2 लाख फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, हमने 2 लाख ट्रांसपोर्टर को दिया है, ट्रांसपोर्ट को दिया, विच वाज कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड टू बी पेड बाय अल्फा लिमिटेड, सप्लायर की लायबिलिटी 15(2)(b) रिसीपिएंट ने इनकर करी है, ट्रांसपोर्ट के पैसे हमने पे किए हैं, देने किसको दे, अल्फा लिमिटेड को। तो हमने लिखा यहां पर, हमने क्या लिखा, यहां थर्ड पॉइंट पढ़े, 2 लाख ट्रांसपोर्ट के पे किए हैं ट्रांसपोर्टर को सुपरनोवा हमने, जो कि पे अल्फा को करने थे, सप्लायर को पे करने थे, इट विल बी एडेड इन 15(2)(b), तो ये जो वैल्यू निकालेगा इस 10 लाख में, ये 2 लाख को एड किया जाएगा, 10 लाख में 2 लाख को ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये रिसीपिएंट ने इनकर किया, सप्लायर के अल्फा की लायबिलिटी थी, अल्फा की लायबिलिटी थी, और इस ट्रांसपोर्ट पर कोई जीएसटी है नहीं। आगे अगली लाइन में लिखा हुआ है, इस ट्रांसपोर्ट पर कोई जीएसटी नहीं है, थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए उन्होंने ये लाइन डाल दी कि इस पर जीएसटी नहीं है, मान लो। नेक्स्ट, अल्फा लिमिटेड ने ऑल्सो चार्ज एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 12,000 ऑन सच प्रोसेस गुड्स एज मिसलेनियस म्युनिसिपल लेवी अदर देन जीएसटी। हाँ जी, इसने अल्फा लिमिटेड ने म्युनिसिपल टैक्सेस के नाम से रिकवर किया है
जो जीएसटी नहीं है पेएबल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो इसने 12,000 और रिकवर किया है, 12,000 और रिकवर किया है। तो ये सेकंड पॉइंट में हमने लिख दिया, ये 12,000 और रिकवर किया है, ये 15(2)A में ऐड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 10 लाख नहीं लेंगे, 10 लाख प्लस 12,000 प्लस 2 लाख, तो 12 लाख 12,000 वैल्यू होगी। ठीक है, ओके। तो इसकी आउटवर्ड है हमारे लिए इनवर्ड होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आगे बोलता है, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड सोल्ड द गुड्स परचेज फ्रॉम अल्फा इन द मंथ ऑफ जन एज पर डिटेल्स बिलो। जो हमने अल्फा से परचेज किया तो उसको आगे हमने बेच दिया है। तो सुपरनोवा ने 6 लाख का माल एक्स लिमिटेड को बेचा है जो कि राजस्थान में है। 6 लाख का माल बेचा है राजस्थान वाली को, और 8 लाख का माल वाई लिमिटेड को बेचा है जो कि गुजरात वाली है। तो हमने अपना सुपरनोवा लिख दिया, हमने 6 लाख का माल बेचा है राजस्थान वाली को और 8 लाख का माल, ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई हो गई। ठीक है, ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कुछ और इनवर्ड सप्लाई दे रखी है, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इन जन सुपरनोवा इंडिया सेंड फाइव ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ऑफ फाइनेंस टीम टू सिंगापुर फॉर ट्रेनिंग पर्पस। सुपरनोवा इंडिया ने अपने 5 एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग के लिए कहां भेजा, बाहर। द ट्रेनिंग वर गिवन बाय सुपरनोवा इंक सिंगापुर एट इट्स ऑफिस लोकेटेड इन सिंगापुर। पीएस क्या होगा जी, यहां 13(3)(b) लगेगा, 13(3)(b) लगेगा, तो पीएस क्या हो जाएगा, पीएस जहां ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग कहां दी गई, सिंगापुर में, तो पीएस हो जाएगा सिंगापुर। और LOS भी क्या है जी, LOS ये सुपरनोवा इंक है, LOS भी है आपका सिंगापुर, और POS भी है आपका, LOS भी है सिंगापुर और POS भी है आपका सिंगापुर। तो इस पे कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी, सप्लायर भी बाहर, सर्विस भी बाहर दी जा रही है, तो उसमें कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। ठीक है, अगला, फर्दर एन एम्प्लॉई ऑफ सुपरनोवा लिमिटेड। अच्छा, लिख तो दीजिए, हाँ लिख तो देते हैं कि हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा है। लो जी, चार्ट में लिख दो, अदर इनवर्ड सप्लाई, हमने ट्रेनिंग की सर्विस ली है फ्रॉम सुपरनोवा इन सिंगापुर की है, और ये ट्रेनिंग भी कहां दी गई, सिंगापुर ऑफिस में। इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, ये हमने कंक्लूड कर लिया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, फर्दर एम्प्लॉई ऑफ सुपरनोवा, हमारी कंपनी का एम्प्लॉई कहां गया, विजिट किया उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अल्फा लिमिटेड इन मुंबई, मुंबई में यूनिट है वहां गया है। तो उसे कहां रुकना पड़ा, होटल में, मुंबई के होटल में रुकना पड़ा इन द मंथ ऑफ जून। एट द टाइम ऑफ चेकआउट फ्रॉम होटल द इनवॉइस वाज इश्यूड फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1 लाख। होटल वालों ने 1 लाख का बिल रेज किया, तो इसमें वो सीजीएसटी और अपना महाराष्ट्र जीएसटी चार्ज करेंगे। जी हाँ, होटल इश्यूड इनवॉइस इन द नेम ऑफ सुपरनोवा, चार्ज एट द रेट ऑफ 40% सीजीएसटी 40% एसजीएसटी ऑन टोटल इनवॉइस अमाउंट ऑफ 1 लाख। अच्छा जी, इसके बाद आगे भी कहानी सुना रहा है। पहली बात, क्या इसे हम, इसका हमें, हमारे को क्रेडिट मिलना है, नहीं, क्योंकि हम कहां के हैं, सुपरनोवा है गुजरात की कंपनी, तो ये मुंबई में रुक रहा है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई होगी महाराष्ट्र की, सीजीएसटी और महाराष्ट्र जीएसटी लगेगा, तो उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे कहानी बता रहा है, आउट ऑफ सच अमाउंट द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय टूवर्ड्स नॉन ऑफिशियल स्टे बाय सुपरनोवा वाज 50,000। इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई क्रेडिट मिलना ही नहीं है। ठीक है, वो वहां पर ज्यादा समय के लिए रुका, जितना समय रुकना था उससे ज्यादा समय के लिए रुका, और उसके लिए हम उससे कितने रिकवर कर लेंगे, 50,000 एम्प्लॉई से हम रिकवर कर लेंगे, कितने, 50,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। फन इवेंट लिमिटेड, अच्छा इसका पहले पॉइंट हम नोट में लिखते हैं, होटल रूम रेंट स्टे ऑफ एम्प्लॉय इन मुंबई, ये हमारी इनवर्ड सप्लाई है, हम सुपरनोवा के लिए लिख रहे हैं ना जी, ये हमारी इनवर्ड सप्लाई है। तो होटल ने 1 लाख का इनवाइस इशू किया है, 14% सीजीएसटी 14% एसजीएसटी, 50,000 इसमें नॉन ऑफिशियल स्टे की। ओके, नेक्स्ट, फन इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, एक और सर्विस लिया हमने, इसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया सुपरनोवा के लिए, सुपरनोवा हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है मॉरिशियस में, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो हमने अगला लिख दिया, हमारी एक और इवेंट सप्लाई है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस लिया हमने फ्रॉम फन इवेंट न्यू दिल्ली वाली से, इवेंट हेल्ड हुआ मॉरिशियस में। ओके, अब इसके बाद
ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का, अल्फा का, सुपरनोवा का निल है, ना बोलता तब भी यही मानते, कोई अदर इसके अलावा कोई इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई और नहीं है, ठीक है जी। सब्जेक्ट टू गिवन अबाउट इंफॉर्मेशन एज्यूम कि आपने सारी आईटीसी वाली कंडीशन फुलफिल कर दी है, फिर तो हमारे को जीएसटी का रेट ही दिया है। ये हमारा चार्ट हो गया पूरा, एक बार इस चार्ट को ध्यान से देख लो। अब हमें करने हैं क्वेश्चन। हाँ जी, सुपरनोवा एलएलसी जापान एक बार समराइज कर ले, इसकी दो सब्सिडरी, ये जो सेकंड वाली सब्सिडरी है ये किसी अल्फा लिमिटेड को माल बेचती है, मतलब हमारे लिए इंपोर्ट है, हमको इंटरेस्टेड परचेज भी करते हैं, फिर इससे जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेच देते हैं इस सुपरनोवा इंडिया को। 10 लाख का माल बेचा, 12,000 का म्यूनिसिपल टैक्स रिकवर किया, इसमें एड होगा ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, डायरेक्टली उसको बोला था ट्रांसपोर्टर को पे कर दे, ये भी 15(2)(b) में ऐड होगा। तो ये 12 लाख, 10 और 2 12 12 प्लस 12 लाख 12 हजार का हमारा बिल बनेगा। तो हमारे लिए ये सेल है, इसके लिए परचेज है। अच्छा जी, तो अल्फा लिमिटेड की सेल है 12 लाख 12 हजार की, परचेज है एक ये 10 लाख की इंपोर्ट जिस पर हमने जीएसटी निकाला हुआ है, और इंटरेस्टेड परचेज ये है, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल जीएसटी लायबिलिटी नेट ऑफ आईटीसी अल्फा लिमिटेड की निकालनी है, बहुत ही आसान है जी। आप क्या करें, इस 12 लाख 12 हजार पर जीएसटी निकालो। अच्छा, ये कौन सी सेल है, सप्लायर एलओएस है महाराष्ट्र, और हमें माल कहां पहुंचाना था, गुजरात, तो 10(1)(a) गुड्स की मूवमेंट कहां कंप्लीट होगी, गुजरात में, तो इसका मतलब पीएस होगा गुजरात, ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई होगी। सप्लायर महाराष्ट्र का, माल कहां पहुंचाना, गुजरात में, तो प्लेस सप्लाई होगी गुजरात, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई होगी। तो 12 लाख 12 हजार पर, 12 लाख 12 हजार पर देखेंगे हम, 12 लाख 12 हजार पर आईजीएसटी निकालेंगे 18%, ये हुआ हमारा आईजीएसटी। अब हमें क्या करना है जी, आईटीसी की बात करनी है, आईटीसी की, दोनों ही हमारे क्या है, आईजीएसटी है परचेज पर, तो 1,80,000 प्लस 36,000, ये कितना हुआ, 2,16,000। मैंने वैसे ऊपर आंसर दे रखा था डिटेल में लिखकर, ठीक है, ये 12 लाख 12 हजार कैसे आया, तो ये 2,16,000 का हमारा आईटीसी है आईजीएसटी का। तो सबसे पहले हमें आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन करना होता है जी, है ही वही, तो सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, पूरा ही यूज हो गया, तो हमारा ये फॉरवर्ड चार्ज में ये बना 2160 पे करना, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोस आईजीएसटी लायबिलिटी निकालनी है किसकी, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड की, विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी, हमें आईटीसी माइनस नहीं करना, सिर्फ सिर्फ सेल पर टैक्स निकालना, और वो भी आईजीएसटी वाला। अच्छा, अगर मेरा कोई रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी बनता होगा वो भी लिखना होगा, ठीक है, रिवर्स चार्ज वाला भी लिखना होगा, हमें आईजीएसटी वाली ग्रोस आईजीएसटी लायबिलिटी निकालनी, आईटीसी माइनस नहीं करना, ओके। तो हमारी सुपरनोवा की आउटवर्ड सप्लाई ये थी 2,6 लाख पर, और ये हमारी आईजीएसटी गुजरात से राजस्थान जा रहा है, ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है, अगला गुजरात से गुजरात में ही है, ये मेरी इंट्रा है, तो मेरी पहले वाली जो सप्लाई है ये मेरी इंटरस्टेट है, 6 लाख पर 18% निकालेंगे। इसके अलावा ये जो हमने इसको 20% कमीशन देनी थी, ये मेरी इनवर्ड सप्लाई थी, इस पर भी आईजीएसटी रिवर्स चार्ज में जाएगा जी, ये मेरी इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है मतलब मेरी सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इस पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंटरेस्टेड सप्लाई होती थी, तो इस पर भी आईजीएसटी जाएगा। ये 20% कमीशन किस पर है, सेल्स पर, पूरी सेल पर, जो भी मंथ की सेल है, मंथली बेसिस पर हम कमीशन पे करते, तो मंथ की सेल 6 प्लस 8 14 लाख, 14 लाख का 20% जो ये कमीशन आई उस पर आईजीएसटी 18% देना पड़ेगा। तो हमें एक तो 6 लाख पर 18% आईजीएसटी देना है, और इस कमीशन पर आईजीएसटी देना है। तो आइए आंसर देखते हैं।
6 लाख पर हम 18% देंगे, 6 लाख पर जो 6 लाख था इस पर हम 18% देंगे, ये हमारा 1,08,000 आया। ठीक है जी, अगला 8 लाख वाला तो मेरा इंट्रा था, तो इंट्रा का मेरे को चाहिए नहीं यहाँ पे। इसके अलावा जो मेरी कमीशन है 14 लाख, 14 लाख सेल पर 20% कमीशन, इस कमीशन पर हमारा, इस कमीशन जो आई इस पर 18%, ये मेरा IGST है 50,400। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइबिलिटी थी 1,08,000 प्लस 50,400, ये हमारी 158,400 आ गई, ये अंदर हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, हाउ शेल द अमाउंट पेड टुवर्ड्स ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज ऑफ फाइनेंस टीम ऑफ सुपरनोवा बी ट्रीटेड अंडर जीएसटी लॉ। हमने क्या बोला था अभी, नो जीएसटी। क्यों? क्योंकि तो सप्लायर भी बाहर, ट्रेनिंग भी कहां की जा रही है, बाहर। सेक्शन 13(3)(b) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आ रहा था, सिंगापुर। तो सप्लायर भी बाहर, ट्रेनिंग भी बाहर, तो यहां पर जीएसटी नहीं बन रहा था। तो ये हमारा ए वाला आंसर बनेगा। नीचे मैंने सोल्व करके दिया इसको डिटेल में, सप्लायर सिंगापुर का और प्लेस, सप्लायर सिंगापुर का, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी जी, जहां ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग कहां दी जा रही है, सिंगापुर। तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन कहता है सप्लाई आपकी इंटर या इंटर होनी चाहिए, ना ये इंटर है ना इंटर है, इसलिए ये नाइदर इंटर नॉर इंटर, इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेदर आईटीसी इनपुट क्रेडिट अवेलेबल ऑन, मैं इनपुट क्रेडिट को आईटीसी बोल दिया करता हूं, ठीक है, आईटीसी इज अवेलेबल ऑन द जीएसटी पेड बाय सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड ऑन द इनवॉइस ऑफ 1 लाख टू होटल लोकेटेड इन मुंबई। दूसरे स्टेट की इंट्रा स्टेट सप्लाई का हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। कह रहा है कि जो मुंबई में होटल में हमारा एम्प्लॉय रुका था, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा, द आंसर इज नो। स्टे ऑफ एम्प्लॉय, यहां पर एलओएस क्या था भाई, एलओएस होटल मुंबई का था, मुंबई महाराष्ट्र, और पीएस क्या था, वही जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड थी 12(3) के हिसाब से, इस 12(3) के हिसाब से। तो इसलिए ये इंट्रा स्टेट सप्लाई महाराष्ट्र की है, हम कहां के हैं, सुपरनोवा इंडिया गुजरात की है, तो गुजरात वाली कंपनी को दूसरे स्टेट की इंट्रा स्टेट सप्लाई का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये हमने लिख के दिया क्योंकि उसमें उसने महाराष्ट्र जीएसटी लगा रखा, आप उसका क्रेडिट कैसे ले लोगे। ठीक है, तो ना सीजीएसटी ना महाराष्ट्र जीएसटी, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट आपको मिलना ही नहीं। नेक्स्ट 2.5, पांचवा एमसीक्यू, क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा ऑन द इवेंट ऑर्गेनाइज बाय फन इवेंट लिमिटेड। फन इवेंट लिमिटेड कहां की थी, फन इवेंट लिमिटेड न्यू दिल्ली की थी, तो हमने फन इवेंट लिमिटेड कहां की थी, न्यू दिल्ली की थी, और इसने हमारे को जो सप्लाई दी, ये सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड को सप्लाई दी है, वो गुजरात की है, रजिस्टर्ड है गुजरात में, तो फिर वो इवेंट कहां हेल्ड हो रहा है, मॉरिशस में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इसमें तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, गुजरात, सुपरनोवा का ही हमें देखना था प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए, हमारे ये दो केस सिनेरियो हो गए, क्या आप थर्ड केस सिनेरियो के लिए तैयार हैं जी? तो आइए नेक्स्ट पेज पर। हां जी, केस सिनेरियो 3 के लिए तैयार है, पढ़ें जरा इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है आपको, केस सिनेरियो 3 पढ़िए। ये केस सिनेरियो करने से पहले भी मैं आपको याद दिला दूं इसके लिए कुछ बातें। हां जी, ओआईडीआर वाले सर्विस से फिर लेना देना है इसका, तो हम करने जा रहे हैं केस सिनेरियो 3। इसके लिए कुछ बातें याद दिला दूं, फिर हम सर पहले चार्ट बना ना ले, बाद में बना लेंगे, ऐसी क्या मारामारी है। सुनिए जी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस याद कीजिए,
क्या शर्तें होती थी? मेन चार होती थी, पांचवी भी थी। पहला, सप्लायर कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। सप्लायर इंडिया में। रिसिपिएंट कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया। और फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होना चाहिए, या जिन देशों से, जैसे नेपाल भूटान से, हमने आईएनआर में अलाउ कर रखा है, आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, तो आईएनआर में रिसीव हो सकता है, इंडियन करेंसी में रिसीव हो सकता है, नहीं तो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होना चाहिए। पांचवी कंडीशन, दोनों एक ही बंदे की दो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच फॉरेन कंट्री में, इनके बीच एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाता। ये थी हमारी पांचवी कंडीशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे सुनिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कॉल सेंटर की सर्विस, हम गूगल की बात करते हैं, गूगल ने अपनी एक इंडिया में सब्सिडरी बना रखी है, मान लीजिए डी लिमिटेड, डूडल लिमिटेड, ये इंडिया की कंपनी है। ठीक है, ये कॉल सेंटर की सर्विस देती है किसको? गूगल को। क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है? सप्लायर कहां पर है? इंडिया में। डी लिमिटेड कहां है? इंडिया में। रिसीपिएंट गूगल यूएसए में है। प्लेस ऑफ सप्लाई मैं मान लो आउटसाइड इंडिया है, वैसे इसमें आउटसाइड इंडिया है, अभी मैं सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग आपको प्रूव कराऊंगा। सेक्शन 13(2) है जो जनरल रूल है, वो कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई हमें एलओआर लेना है। एलओआर मतलब यूएसए, यूएसए गूगल यूएसए, तो पीएस आउटसाइड इंडिया हो गया। तो कॉल सेंटर की सर्विस में कॉल सेंटर डी लिमिटेड का है, एलओएस इंडिया, सप्लायर इंडिया का, रिसीपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस सप्लाई भी हो गया आउटसाइड इंडिया, क्योंकि हमें रिसीपिएंट की ही लोकेशन देखनी है। फॉरेन करेंसी भी रिसीव हो रही है, क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई? जी हाँ, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। एक और देखिए, प्रमोशन एंड मार्केटिंग की सर्विस दी जाती है, अगेन इसका प्लेस सप्लाई भी रिसीपिएंट की लोकेशन देखनी है, तो सप्लायर अगेन ये डी लिमिटेड इंडिया की, रिसीपिएंट यूएसए वाला गूगल यूएसए, रिसीपिएंट बाहर का, प्लेस सप्लाई आउट इंडिया, फॉरेन करेंसी रिसीव हो रही है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। ठीक है, तो कॉल सेंटर की सर्विस अगर इंडिया वाली कंपनी गूगल को दे रही है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। प्रमोशन मार्केटिंग की सर्विस अगर ये गूगल इंडिया को दी जा रही है, क्योंकि सेक्शन 13(2) में पीओएस आपका रिसीपिएंट की लोकेशन दी जाती है, वो आउट इंडिया है, तो बाकी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ये भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। अब आप जानते हैं एक्सपोर्ट सर्विस जीरो रेटेड होती है, हमें टैक्स जीरो रखना है इस पे, तो जो डी लिमिटेड ने परचेजेस करी होंगी उसका सारा आईटीसी, 100% आईटीसी उसको मिल जाएगा। ये हमारी एग्जेम्प्ट नहीं होती, जीरो रेटेड होती है। सर जीरो रेटेड का क्या मतलब है? हाँ जी, ये जो एक्सपोर्ट है, ये जीरो रेटेड सप्लाई करने के दो तरीके हैं, वो कहां बताए हुए हैं? वो हमें आईजीएसटी के सेक्शन 16 में बताए हुए हैं। क्या? सुनिएगा। नंबर वन, सेक्शन 16(3)(a) कहता है एक्सपोर्ट है ना, जीरो रेटेड है ना, आप आईजीएसटी पे ही मत करो। नहीं पे करने के लिए आपको बॉन्ड या एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना होगा, न पे करने के लिए बॉन्ड या एलयूटी फाइल करना होगा, अगर आप आईजीएसटी नहीं देना चाहते तो फिर कोई रिफंड का क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन अगर परचेज पर, अब आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करने के बाद अगर आपने परचेज पर कोई टैक्स दे रखा है, उस अनयूटिलाइज आईटीसी का आप रिफंड ले सकते हैं। तो 16(3)(a) आईजीएसटी का, अब एक्सपोर्ट करो, आईजीएसटी दो ही मत, या जीरोड सप्लाई करो, आप आईजीएसटी दो ही मत, न देने के लिए आपको बोन या एलओडी फाइल करना होगा, बोन या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये फाइल करना होगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपका लेटर हेड पे जाता है, बोन स्टाम्प पेपर पर, मतलब कसम खानी होगी कि आप एक्सपोर्ट ही करोगे, इसे इंडिया में नहीं बेचोगे, इंडिया में सर्विस नहीं दोगे, आप एक्सपोर्ट ही करोगे। तो एक्सपोर्ट करने के बाद कोई रिफंड का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन परचेजेस पर अगर कोई टैक्स दे रखा तो आप रिफंड ले सकते हैं। इसके बाद 16(3)(b) आईजीएसटी दो ही मत, यहां हो गया 16(3)(b) आईजीएसटी दो, एक्सपोर्ट करने के बाद आईजीएसटी का रिफंड ले लो, आईजीएसटी दो, एक्सपोर्ट करने के बाद आईजीएसटी का रिफंड ले लो, तो आपका टैक्स जीरो हो गया। टैक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। हाँ जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें यह मानना है, हाँ
हमने एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड या एल्यूटी किया, मतलब आईजीएसटी हम नहीं देंगे। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो। नहीं तो हम चले आगे। चलिए, ये आप जानते हैं एलओएसपीएस सेम स्टेट हो तो इंट्रा और डिफरेंट स्टेट हो तो इंटर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये दोनों क्या मानी जाती हैं? इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। चलिए आगे देखें, सेक्शन 13(2) प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 13 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 13 तभी लगता है जब सप्लायर या रिसीपिएंट दोनों में से एक बाहर का हो, दोनों में से एक क्या हो? बाहर का हो। ओके, सेक्शन 13(2) अगर कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं है तो वो सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(2) में निकालेंगे। जैसे प्रमोशन मार्केटिंग वाली सर्विस या कॉल सेंटर वाली सर्विस कहीं और नहीं आ रही थी, वो 13(2) में आएगी। अगर हमने सर्विस दी है गूगल यूएसए को तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे हम? रिसीपिएंट के लोकेशन गूगल यूएसए, रिसीपिएंट यूएसए का प्लेस ऑफ सप्लाई वो लेंगे। ठीक है, तो कॉल सेंटर की सर्विस या प्रमोशन मार्केटिंग की सर्विस, इसमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? इस गूगल यूएसए, इस रिसीपिएंट की ही लोकेशन यूएसए लेंगे। ओके, आगे सुनिएगा। हाँ जी, तो इसे हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। तो कॉल सेंटर वाली सर्विस और प्रमोशन मार्केटिंग सर्विस हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे, सारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। ओके, ओआईडीआर वाली सर्विस फिर से वही मीन्स पार्ट है, इंक्लूड पार्ट है, मैंने आपको अभी ये बता ही दिया था। एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट अभी यहां पर यूज होगा, ये हमारी OIDAR सर्विस में आती है। तो मैं इस पर दोबारा आप नहीं बोल रहा क्योंकि मैं अभी पहली केस सिनेरियो में आपको बता ही चुका हूं। ये मैं फिर से आपको याद दिला दूं, क्या OIDAR सर्विस अगर NTOR ने रिसीव करी है, ये है NTOR, इसने क्या किया? CA स्टूडेंट ने Netflix का सब्सक्रिप्शन लिया, Netflix है आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी, और इसने ऑलरेडी अपना डिजिटल कंटेंट मूवी टीवी शो अपलोड कर रखा है अपने सर्वर पर, तो आपने सब्सक्रिप्शन लिया, बस आप एक्सेस कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सेस या रिट्रीव कर रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से इसके डेटाबेस को, तो आप इंपोर्ट ऑफ OIDAR सर्विस कर रहे हैं। लेकिन कौन कर रहा है ये? NTOR। आप क्या है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। एनटीआर कौन था? इसमें गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये इंडिविजुअल आते हैं। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो अदर देन बिजनेस पर्पस से ये OIDAR सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो आप सीए स्टूडेंट थे, आपने जो इंपोर्ट करी ये OIDAR सर्विस है, क्योंकि आप ऑनलाइन ये रिसीव कर रहे हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, आप NTOR है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसीपिएंट है। इस केस में जीएसटी भले ही इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, आपको नहीं देना रिवर्स चार्ज में, किसको देना है? सप्लायर को फॉरवर्ड चार्ज में। लेकिन अगर यही OIDAR सर्विस बिजनेस एंटिटी रिसीव करी होती तो फिर रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी पे करेगी। ठीक है, तो इस पे मैं आपको ऑलरेडी केस सिनेरियो 1 में डिटेल में समझा चुका, तो मैं बस यहां समराइज कर रहा हूं। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय NTOR है तो सप्लायर जो बाहर वाला है, जो आउट ऑफ इंडिया वाला सप्लायर है, तो वो पे करेगा जीएसटी। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिजनेस एंटिटी ने करी है तो बिजनेस एंटिटी रिसीपिएंट रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। ओके, ये हम पहले ही बता चुके, इंपोर्ट इंटरस्टेट सप्लाई होती है, एलओएसपीएस डिफरेंट स्टेट हो तो इंटर होती है, सेम स्टेट हो तो इंट्रा होता है। ओके, और सुनिए जी, बस जी इतने यूज होना, हाँ इतना ही यूज होना। तो आइए केस सिनेरियो 3 अब पढ़ते हैं। हाँ जी, केस सिनेरियो 3, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे चार्ट है, तो सामने सामने आप अपना देख सकते हैं। डूडल इंक गूगल है जैसे, ये यूएसए की कंपनी है, वेरियस आईटी रिलेटेड सर्विसेज दिया करती है,
डायरेक्टली डायरेक्टली भी देती है और अपनी सब्सिडरी के थ्रू भी दिया करती है। इन इंडिया डूडल इंडिया सब्सिडरी ऑफ डूडल इंक। तो इंडिया में डूडल इंडिया रजिस्टर्ड है इन स्टेट ऑफ कर्नाटका अंडर जीएसटी एंड इट प्रोवाइडिंग सर्विस टू वेरियस कस्टमर इन इंडिया। तो हम पहले इतना लिख लेते हैं, अपने चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में हमने लिख लिया कि ये डूडल इंक यूएस से है, ये डूडल इंक यूएस से है, ये होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, ये डूडल इंडिया कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। ओके, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। सर सर क्या हुआ सर, आपने इसके पहले एमसी क्यों नहीं पढ़ाए? हाँ सही बात, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस केस सिनेरियो को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, जिससे हमें पता लग जाए हमें इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई अलग चाहिए कि नहीं चाहिए। कह रहा आउटपुट टैक्स पेबल बताओ विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेड, मेरे को आउटवर्ड सप्लाई अलग चाहिए, मुझे आउटवर्ड सप्लाई अलग से चाहिए। आउटपुट टैक्स पेबल पूछ लिया है विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी, किसका? डूडल इंडिया का। नेट जीएसटी लाइबिलिटी बताओ डूडल इंक की, तो इसका मतलब मेरे को चाहिए होगा, तो मैं अलग कर लूंगा, अलग कर लूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ जी, जो ये डूडल इंक है ये क्या कर रही है, प्रोवाइड्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस, मतलब OIDAR। किसको देती है? अपने कस्टमर्स को। ये बिजनेस एंटिटी भी है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी है। ओके, डूडल इंक कौन थी? डूडल इंक ये यूएसए की होल्डिंग कंपनी है। ओके, तो यूएसए वाली कंपनी क्लाउड बेस्ड OIDAR सर्विस दे रही है। द कस्टमर कैन सब्सक्राइब टू द सर्विसेज बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली टू डूडल इंक बैंक अकाउंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं इसको, जो भी सर्विस ये दे रही है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच सर्विसेज आर एंटर थ्रू डूडल इंक एंड कस्टमर डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली ही अपना उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, बीच में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो ये सर्विस खुद देती है। इन केस ऑफ एनी इश्यू कस्टमर कैन कॉल एंड लॉग द इश्यू एट द कस्टमर हेल्प सेंटर विच इज ऑपरेटेड बाय। हेलो हेलो हेलो, अब अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। जो कस्टमर हेल्प सेंटर है वो डूडल इंडिया का है, इसका मतलब डूडल इंडिया की ये आउटवर्ड सप्लाई है, इस डूडल इंडिया की ये आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है। ओके, फॉर ऑपरेशन ऑफ सच कस्टमर हेल्प सेंटर डूडल इंडिया इज पेड, इसके लिए उसे कोस्ट प्लस 10% बेसिस पर बाय डूडल इंक ऑन मंथली बेसिस पर मिलता है। मंथली बेसिस पर जो भी खर्चा हुआ उसमें 10% प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करके मिलता है। ओके, तो आगे एक बार चार्ट में लिख लेते हैं इतना। तो डूडल इंडिया आउटवर्ड सप्लाई है, डूडल इंडिया की आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, हेल्थ सेंटर सर्विस टू डूडल इंक यूएसए। जो भी खर्चा होगा वो बताएगा, जो भी होगा उसका कोस्ट प्लस 10%, जितना भी खर्चा होगा वो आगे पीछे 75 लाख बता रखा है, तो 75 लाख का 10% ऐड करके मतलब 75 लाख का एक तो 10% मिल जाएगा इसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्दर डूडल इंडिया एंगेज्ड इन, तो पहली ये वाली सर्विस दी है आउटवर्ड वाली, क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी? एक बार ये भी सोच लीजिए, जो डूडल इंडिया ने सर्विस दी है यूएसए वाली कंपनी को, सप्लायर है इंडिया में, यस रिसिपिएंट यूएसए वाली कंपनी डूडल इंक आउटसाइड इंडिया, प्लेस सप्लाई सेक्शन 32 के हिसाब से आउटसाइड इंडिया और फॉरेन करेंसी रिसीव हो रही है, तो ये हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी हेल्थ सेंटर वाली। अगला पढ़ते हैं। डूडल इंडिया इज एंगेज इन प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस इन इंडिया फॉर डूडल इंक। अगेन ये वाली भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई जी। तो डूडल इंक के लिए एक प्रमोशन मार्केटिंग वाला काम भी कर रहे हैं। पेमेंट फॉर सच सर्विस इज मेड बाय डूडल इंक टू डूडल इंडिया फॉर मंथली बेसिस एट कोस्ट प्लस 20%, तो जितना खर्चा हुआ प्लस 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मिलेगा। प्रमोशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ डूडल इंक विदाउट एनी रेफरेंस टू ऑपरेशन ऑफ डूडल इंडिया। तो अब ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं चार्ट में। तो हमारी एक और आउटवर्ड सप्लाई है प्रमोशनल मार्केटिंग, ये यूएसए को देते हैं और इसका हमें क्या मिलेगा, कोस्ट प्लस 20%।
ये दोनों हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डूडल इंक ओन्स ऑनलाइन स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट। डूडल इंक मतलब यूएसए वाली गूगल, गूगल या डूडल नाम दे रखा हमने, ये इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ऑनलाइन स्पेस ऑन करती है। मतलब ये ओआईडीआर सर्विस की कहानी शुरू हो रही है। डूडल इंक ने ये एग्री किया टू सेल सच ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस टू डूडल इंडिया फॉर 5 करोड़ पर मंथ। इस एडवर्टाइजिंग स्पेस को सेल करने के उसने पर मंथ 5 करोड़ रुपए चार्ज किए। Doodle India sells such advertising space to its customer India on its own account. The contractual arrangement for sale such advertising space is between the customer and Doodle India. Doodle Inc. ने USA वाली Google ने India वाली subsidiary को 5 करोड़ का स्पेस बेचा, फिर ये वाली India वाली कंपनी आगे कस्टमर को उस स्पेस को बेचा करती है। तो इतना लिख ले जी। हाँ जी, अब जो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ डूडल इंडिया है वो क्या है? स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर। वो कितना अमाउंट होगा वो आगे बता रखा है। और इसके लिए पहले डूडल इंक ने हमारे को स्पेस बेचा है 5 करोड़ पर मंथ का, हमारे लिए वो क्या बन जाएगी? इस डूडल इंडिया के लिए क्या बन जाएगी? वो इनवर्ड सप्लाई बन जाएगी। तो ऑनलाइन स्पेस जो हमने इंटरनेट का रिसीव किया डूडल इंक से, उसके हमने 5 करोड़ पर मंथ बेचे हैं, पर मंथ पे किए हैं, ये हमारी इनवर्ड सप्लाई है। और आउटवर्ड सप्लाई क्या होगी? जो हम आगे इस स्पेस को बेचेंगे, स्पेस को बेचेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डूडल इंक प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू डूडल इंडिया एंड चार्जेस रॉयल्टी फ्रॉम डूडल इंडिया फॉर सच टेक्नोलॉजी सपोर्ट एट अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ 25 लाख पर मंथ। इसके बाद डूडल इंक ने टेक्नोलॉजी सपोर्ट की सर्विस, मतलब हमारी इनवर्ड सप्लाई है, डूडल इंडिया की इनवर्ड सप्लाई है, 25 लाख रुपए पर मंथ हम पे कर रहे हैं। रॉयल्टी पेड इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेस ऑफ डूडल इंडिया। तो बिजनेस पर्पस से लिए है। ओके, तो आगे देखते हैं, इसे भी लिख लेते हैं। हमारी एक इनवर्ड सप्लाई क्या थी? डूडल इंडिया की, जो हमने स्पेस परचेज किया था इससे। दूसरा, हमारी टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विस ली है हमने, इसके हमने 25 लाख पर मंथ पे किए। ओके, आगे देखते हैं। इन एडिशन टू अबव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जन, इसके अलावा डूडल इंडिया ने ये कुछ खर्चे किए हैं। अगेन हमारी इनवर्ड सप्लाई है। कॉल सेंटर को ऑपरेट करने के खर्चे हैं 75 लाख और प्रमोशन मार्केटिंग सर्विस के जो खर्चे हुए हैं हमारे वो है 50 लाख। इस पे 10% ऐड करके हमें मिलना है, इस पे 20% ऐड करके हमें मिलना है। तो हम ये लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 10% लिखा था ना, इसके नीचे लिख लिया कॉल सेंटर के खर्चे 75 लाख हैं और प्रमोशन मार्केटिंग के खर्चे हमारे 50 लाख के हैं। ओके, डूडल इंडिया अर्न्ड एन इनकम ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस। हमने 5 करोड़ में जो स्पेस परचेज किया था यूएसए वाली होल्डिंग कंपनी से, उसके हमने आगे कस्टमर को बेच के 8 करोड़ कमाए। तो देखें, जो 5 करोड़ का हमने इसे पेमेंट करी थी उसके लिए हमने जो आगे बेचा है स्पेस, वो 8 करोड़ कमाए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डूडल इंक अर्न्ड एन इनकम ऑफ 10 करोड़ फ्रॉम NTOR कस्टमर फ्रॉम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस इन इंडिया। हाँ जी, अब ये डूडल इंक की बात कर रहा है, यूएसए वाली कंपनी की। उसने NTOR को सर्विस दी जिसके लिए इसे खुद से GST देना पड़ेगा। ये सेक्शन 14 बोलता था कि OIDR सर्विस अगर NTOR को दी है, सप्लायर बाहर है, रिसीवर इंडिया में, वो NTOR है, तो फिर इस डूडल इंक को ही इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस पे GST देना होगा। तो अब हम लिख लेते हैं, डूडल इंक की आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड क्लाउड सर्विस टू NTOR 10 करोड़। ओके, अब आगे लिख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ITC निल है और GST एप्लीकेबल ऑन ऑल इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई 9%, इंटरेस्ट रेट है तो 18%, और बाकी सारी कंडीशन ITC वाली फुलफिल हो रही है, सारे अमाउंट एक्सक्लूडिंग GST हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। बस जी, अब एक बार चार्ट को देख लेते हैं हमारे पास क्या निकल कर आया। इतना छोटा सा चार्ट है, सीधा चार्ट ही बनाकर दे देता या इनवर्ड सप्लाई अलग लिख के दे देता, हमारे को मेहनत ना करनी पड़ती। लेकिन वो कहता नहीं, मैं तो पैराफॉर्म में दूंगा।
लीजिए, एक है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी की आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है, जो वो एनटीओआर को दे रहा है। क्या सिर्फ इसी के लिए ही इसे जीएसटी देना होगा? भाई इसकी आउटवर्ड सप्लाई तो ये भी है, ऑनलाइन स्पेस या टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विस, इसके लिए तो हमारे यहां इंडिया में इंपोर्टर ही रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगा। लेकिन एक आउटवर्ड सप्लाई जनरली बाहर वाली कंपनी से अगर हम कोई सर्विस लेते हैं उसे कोई जीएसटी नहीं देना होता। एक ओआईडीआर सर्विस जो एनटीओआर को देता है तो उस केस में उसे ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना होता है। तो इसकी एक ऐसी सप्लाई है डूडल इंक यूएसए की जो इसने एनटीओआर को दी है, इसने डूडल इंक यूएसए को ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना होगा, जीएसटी देना होगा, ठीक है। अब डूडल इंडिया की बात करते हैं, हमारी आउटवर्ड सप्लाई है ये दो एक्सपोर्ट्स जो हमने दो एक्सपोर्ट करी हैं ये, और एक है हमारी आउटवर्ड सप्लाई ये। तो हम आउटवर्ड सप्लाई की बात करें तो मैंने रेड कलर में इसलिए दे रखा है आपको यहां पर, ऐसे अलग अलग कलर ये इसलिए ही है कि ये जो दो है हमारी, ये दो है हमारी आउटवर्ड सप्लाई, एक इनवर्ड सप्लाई ये है, और जो कॉल सेंटर के लिए, कॉल सेंटर के लिए जो खर्चे हुए ये हमारी दो इनवर्ड सप्लाई है। तो हमारी इनवर्ड सप्लाई दो ये है और दो ये चार है, और आउटवर्ड सप्लाई ये दो लिखी हुई, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि आउटपुट टैक्स पेबल बताओ बिना आईटीसी के डूडल इंडिया के लिए, डूडल इंडिया की ये दो आउटवर्ड सप्लाई है, ये दो तो हमारी एक्सपोर्ट है, क्वेश्चन साइलेंट है, हम एक्सपोर्ट में क्या मानेंगे, अंडर बॉन्ड या एलयूटी, तो इस पे जीएसटी हम नहीं निकालेंगे, इस पे हम कोई जीएसटी की बात नहीं करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है, ये हमारी दो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हैं, इस पे हम जीएसटी नहीं निकालेंगे। सिर्फ ये जो इंडिया में ये जो स्पेस सेल किया है, इस 8 करोड़ पर हम जीएसटी निकालेंगे, इस 8 करोड़ पर हम जीएसटी निकालेंगे, और वो हमें पता नहीं इंट्रा एंटर होगा तो इंट्रा एंटर कुछ भी होगा 18% उस पे वो निकाल देंगे, बस ये 8 करोड़ पे 18% निकलने वाला। तो देखेंगे हमने सेल ऑफ ऑनलाइन स्पेस 8 करोड़, क्योंकि ये नहीं बताया किसको कितने की सर्विस दी, इंट्रा एंटर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, तो 8 करोड़ पे आप 18% निकालेंगे, ये आ गया 1,44,00,000। जो कॉल सेंटर वाली सर्विस है और जो प्रमोशन एंड मार्केटिंग वाली सर्विस है, ये दो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इंटर स्टेट है, हमारा LOS इंडिया है, LOR USA है, PSB LOR लेना है वो USA ही है, फॉरेन एक्सचेंज भी रिसीव हो रहा है, तो इसलिए ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है और ये जीरो रेटेड है, इस पे हमें कोई जीएसटी निकालना, हमने अज्यूम कर लिया कि एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड या एलयूटी है, सेम इसके लिए भी। हाँ जी, पांचवी कंडीशन जो होती थी वो हमने लिखा कि डूडल इंक एंड डूडल इंडिया सेपरेट कंपनी, तो एक ही बंदे की दो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हेड ऑफिस ब्रांच नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा ये डिस्टिंक पर्सन वाली बात यहां पर नहीं है। तो ये दो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ये जीरो रेटेड है, हमने इसमें अज्यूम किया ये अंडर बॉन्ड या एलयूटी है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही अजम्पशन आपको माननी है, तो इस पे जीएसटी हुआ निल, तो हमारा आउटपुट टैक्स पेबल सिर्फ यही बना, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डूडल इंक को सिर्फ एक ही पे टैक्स देना था, वो कौन सा? डूडल इंक को सिर्फ जो ओआईडीआर सर्विस एनटीओआर को दी थी, कितने की दी थी? वो दी थी इसने 10 करोड़ की, 10 करोड़ पे 18% देना, बस इस 10 करोड़ पर 18% देना, 1,80,00,000, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, टोटल आईटीसी पूछा है डूडल इंडिया का, डूडल इंडिया का आईटीसी पूछा हुआ है डूडल इंडिया का, तो चार्ट में देखेंगे डूडल इंडिया की इनवर्ड सप्लाई, एक तो ये दो ये थी, 500,000 पर 18% ऑनलाइन स्पेस वाला जो 500,000 पर 18% ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस थी, एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट 25,00,000 पर 18%, 500,000 पर 18%, 25,00,000 पर 18%, और फिर ये जो कॉल सेंटर वाला खर्चा था, प्रमोशन मार्केटिंग का खर्चा था, इसमें खर्चों पर 75,00,000 पर 18% और 50,00,000 पर 18%, तो ये चार हमारी इनवर्ड सप्लाई थी, बस इन पे सीधा सीधा 18% निकाल दो, 75 में कोई भी ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, तो 5 करोड़, 25,00,000, 75,00,000, 50,00,000, तो देखेंगे 5 करोड़ पर 18%,
ये हमारी इंपोर्ट थी, इंपोर्ट ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, इस पर भी 25 लाख पे 18%, ये अगेन हमारी इंटरेस्ट रेट थी। कॉल सेंटर के जो खर्चे हैं और जो प्रमोशन मार्केटिंग के खर्चे हैं 75 लाख 50 लाख पे 18%, ये हमारा टोटल आ जाएगा 1,17,00,000। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी जीरो रेटेड सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं तो फिर परचेजेस का आपको क्रेडिट मिलता है, इसलिए हम सारे क्रेडिट लेंगे, ये एग्जाम सप्लाई नहीं है, तो ये हमारी जीरो रेटेड सप्लाई है और जीरो रेटेड सप्लाई के रेस्पेक्ट में आपको क्रेडिट मिलता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट निकालिए इन रिलेशन टू ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडेड बाय डूडलिंग टू डूडल इंडिया। हाँ जी, आप जानते हैं ओआईडीआर सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी ने रिसीव करी है तो फिर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओआईडीआर सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी ने करी है तो यहां रिवर्स चार्ज में रिसीपिएंट को जीएसटी देना होता है। ठीक है, रिवर्स चार्ज में रिसीपिएंट को जीएसटी देना, तो डूडल इंडिया लायबल टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जो डूडल इंक ओआईडीआर सर्विस दे रही है इस पे टैक्स रिवर्स चार्ज में डूडल इंडिया पे करेगी। तो आप पढ़ेंगे अब, बस जी हो गए ये क्वेश्चन हमारे पास। अब आते हैं केस सिनेरियो फोर पर। केस सिनेरियो फोर, तैयार हैं इसके लिए? जी। केस सिनेरियो फोर करने से पहले फिर आप क्या करें, आइए जरा हम पहले इसकी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। केस सिनेरियो फोर, लीजिए, जॉब वर्क किसे बोलते हैं? जब आप किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के मटेरियल पर कुछ काम करके देते हैं, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, इसने चेसिस परचेज करी, ठीक है, एक कस्टमर है, इसने हमें बोला एक्स वाई जेड लिमिटेड है हम जॉब वर्क पे काम करते हैं, इसने हमारे पास चेसिस भेजी, कहता है इस पे ना बॉडी लगा दो, इसने भेज दी चेसिस, इस पे कहता है बॉडी लगा दो, हम इस चेसिस से बस बनाते हैं, बस की बॉडी लगाते हैं, तो हमने बस की बॉडी अपने पार्ट्स पर चेक की, बस बना ली, थी क्या चेसिस, इससे बना क्या दी बॉडी, ये बॉडी इस पे लगा दी, ये हम जो काम कर रहे हैं ये जॉब वर्क है, हम किसी और के गुड्स पर कुछ काम करके दे रहे हैं। हाँ, बट वैसे इसके लिए हम कुछ अपना मेटेरियल भी यूज कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ये है हमारा जॉब वर्क, ये है हमारा जॉब वर्क। तो चेसिस आई थी, उस पर बस की बॉडी लगा दी, ये क्या है जॉब वर्क, दिस इज जॉब वर्क। और शेड्यूल टू के हिसाब से सीजीएसटी एक्ट के, इसे हम मानते हैं सर्विस, इसे हम मानते हैं सर्विस। अच्छा, यहां हम एक्स वाई जेड लिमिटेड कर दें, फैब्रिकेटर्स,